हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। आवाज़ मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है ये बताओ यार, सो दैट वी कैन स्टार्ट। आ जाओ आ जाओ, लाइव आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। आज 10 घंटे भैया साथ चलना है, तो तैयारी करके बैठना सभी लोग, है ना? पानी पेन खाना वाना सब आस पास लेके बैठना। अब मैं 10 घंटे आप लोगों के साथ रहूँगा तो आपको भी मेरे साथ 10 घंटे तो यहाँ पे देना पड़ेगा ना। देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो आर वी लाइव और नॉट, ये कैसे पता पड़ेगा? ठीक है चलिए, तो मेरी वॉइस जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है ये बताओ यार। ठीक है चलो चलो, एक बार थम्सअप कर दो भैया अगर मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्मार्टी राइटर, गुड आफ्टरनून यार। ठीक है, तो मेरी वॉइस जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है एक बार थम्सअप कर दिया जाए, जिससे मुझको आइडिया लग जाए एंड जिससे हम लोग सेशन शुरू कर पाएँ, है ना? क्या चल रहा है भैया, कैसे हैं आप लोग? पूछ रहे हैं सर, हेलो सर। ठीक है पहुंच रही है, अच्छा स्मार्टी राइडर इज सेइंग सर पहुंच रही है, वेरी गुड बेटा, चलो आपने मेरी बात सुनी। ठीक है तो 1-2 मिनट और दे देते हैं और दोस्त लोगों को भी आने का, देन विल स्टार्ट। कोरोना के केसेस जो हैं भैया अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहो और बहुत ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलो। और आप लोगों का मैं पढ़ाई करना तो घर के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि आपके साथ हैं अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म। और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं लिया है देन गो फॉर इट। ये अन अकेडमी की भैया ऐप है, ये प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर जहाँ से भी आप डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो। यू शुड डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप भैया, यहाँ पे फ्री में भी काफ़ी सारी क्लासेज इस ऐप पे चलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस ऐप में, तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो अन अकेडमी का है, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी यहीं पे पॉसिबल हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, तो गो फॉर इट। दिस इज़ योर ब्रिज बिटवीन यू, मतलब आपके एंड यूपीएससी का जो आपका सपना है ना, उसके बीच का जो ब्रिज है वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप है। तो इसको डाउनलोड करिए, इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भैया ये कोड ध्यान रखना, MPS। इस कोड का जैसे ही आप यूज़ करोगे, आपको जो 2 साल का कोर्स है जो कि 64K का होता है, वो आपको 57K का पड़ेगा। ठीक है, प्लस अगर आप 1 साल का कोर्स लेना चाहते हो तो 44K का जो एक कोर्स है, इस कोड को यूज़ करने के बाद 37K का पड़ेगा। इस कोड को यूज़ करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, प्लस मेरे कोर्सेज आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी एंड आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ में रहूँगा। सेकेंडली, एन अकेडमी ने अभी EMI का ऑप्शंस भी अवेलेबल कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एंड EMI के थ्रू भी एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून परवेज, गुड आफ्टरनून विक्रम। आज गुड आफ्टरनून से हम शुरू करेंगे एंड गुड नाइट तक आज हमें पढ़ना है। 10 घंटे की एक क्लास है, कोशिश है 10 घंटे की। अब लेट्स सी कि इस मैराथन में हम लोग दौड़ पाते हैं 10 घंटे तक कि नहीं। ठीक है, बट कोशिश रहेगी, अगर आपका साथ रहेगा, आपका प्यार रहेगा और मैं भी कोशिश करता रहूँगा, तो क्या पता ये 10 घंटे की मैराथन जो है हम लोग दौड़ लें। ठीक है चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे दोस्त लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सर शुरू कर दो। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं क्योंकि शायद मैं बैठा हुआ हूँ, इस वजह से कुछ दिक्कत हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बोलूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? ब्लू डॉट नेटवर्क भैया, US ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन OPIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर है ऑस्ट्रेलियाज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। इन सबके द्वारा मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका कोड नेम है ब्लू डॉट नेटवर्क। आपने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम सुना है, उसी को टैगल करने के लिए US का दिमाग है, एक उसके अगेंस्ट में उसी टाइप का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करी जा रही है जिसका नाम है ब्लू डॉट नेटवर्क। ठीक है,
BRI क्या है भैया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना जो है कंट्रीज को पैसा देता है कि भैया तुम इन्वेस्टमेंट लो हमसे, तुम उसके बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। श्रीलंका का हाल आप सभी को पता होगा, श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट था वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में ही श्रीलंका ने बनाया था चाइना से पैसा लेके, और चाइना को वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, जिसके चलते हुए 99 ईयर्स समथिंग ऐसे के लिए हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पे चला गया, किसके पास? चाइना के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो ये बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क किसने बनाया। तो हमने यहाँ पे नाम देख लिए, है क्या भैया ये? तो देखो, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। क्या है गाइस ये? मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। क्या करेगा ये भैया? एक साथ, मतलब देखो कौन कौन है इसके अंदर। तो इसमें गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों की, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं इसमें, सिविल सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, मेन इनका पर्पस क्या है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काइंड ऑफ, देखो ना वही चीज़ें हैं भैया जो अलग अलग देश इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर आप उसमें डेवलपमेंट कर सकते हो उन देशों के अंदर, उन लोगों के अंदर जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। काइंड ऑफ BRI है, बट एक मेजर डिफरेंस है। BRI जो होता है ना वो भैया पैसा देता है, चाइना जो है वो क्या करता है? वो पैसा देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनलाइक BRI, द BDN ब्लू डॉट नेटवर्क वुड नॉट ऑफर पब्लिक फंड्स और लोन फॉर द प्रोजेक्ट। चाइना क्या करता है भैया? पैसा देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है, फिर आप इंटरेस्ट चुका नहीं पाते हो तो फिर वो आपको दबाता है। बेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंका का मैंने आपको भी दे दिया है। ठीक है, इंडिया ने भैया BRI को ज्वाइन नहीं किया था, तो अभी सब इनके पीछे पड़े हुए इंडिया के, कि भाई तुम ब्लू डॉट नेटवर्क ज्वाइन कर लो। ये जनवरी 2020 की बात है, तब की न्यूज़ में आई थी ये बात, है ना? तो ये था भैया हमारा क्या BDN। क्लियर है, समझ में आ गया? फाइल नहीं है सर टेलीग्राम पे। अब बंटी सिंह टेलीग्राम, अभी ये वीडियो जब डल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका टेलीग्राम पे जाएगा। उससे पहले आपको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा ना भाई, जब 10 बजे रात में सेशन ख़त्म होगा, अगर हम 10 घंटे की मैराथन दौड़ने में सफल रह गए तब हम वहाँ पे जाएंगे। सर कह रहे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अभी मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, जनवरी 2020 से। पहले हम स्टार्टिंग के 6 आवर्स में जनवरी से अभी तक का पढ़ेंगे, एंड लास्ट के 6 आवर्स में हम जून 2019 से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, अभी मैंने स्टार्ट किया है जनवरी 2020 से। एक चीज़ और है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इस अभी समय जो है ना ये बहुत खतरनाक चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोविड के वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, घर में देखो क्या है, सब लोग घर में हैं। कभी कभी ये चीज़ अच्छी भी होती है, कभी कभी ये ना बुरी भी होती है, डिसग्रेसफुल भी हो जाती है, कि भाई सबके सब लोग हर टाइम घर पे रहते होंगे, तो बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे उससे टेंशन्स बढ़ जाती होंगी, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, या फिर देखो जब घर में ही सब कहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग के साथ भी ये हो रहा होगा, या आपके आसपास ये चीज़ें अगर हो रही होंगी, तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखो इन सब माहौल में? दो तीन तरीके हैं। पहला, अपना फोकस आप हमेशा अपने तैयारी पर रखना। आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका फोकस आपके एग्जाम पे होना चाहिए। अगर आप उसके बारे में सोच रहे होगे ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाइवर्ट करेगी, लेकिन इतना नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा कि हर टाइम पढ़ने मत लगाओ। जैसे भैया तुम 20 घंटे 24 घंटे हैं तुम्हारे जीवन में, तुम 10 घंटे पढ़ने में अभी लगाते हो, तो 10 घंटे लगा लो, ठीक है, लेकिन 2-3 घंटे ना इंटरटेनमेंट के लिए भी रखो। अब इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि फेसबुक चलाने लग गए, इंस्टा पे चैट करने लग गए, ठीक है थोड़ा बहुत खोल लो वो अलग बात है, बट वो सब चीज़ें क्या होती है ना, वो आपको दूसरों की लाइफ में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो उसके जगह पर गाने सुन लिए, वीडियो देख ली, कुछ शॉर्ट फिल्म देख ली यूट्यूब के ऊपर, मूवीज़ देख ली कुछ, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, पढ़ाई और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का, और या फिर जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती, किसी को सिंगिंग से मिलती होगी, किसी को गिटार बजाने से मिलती होंगी, तो जो भी आपका मतलब एक हैप्पीनेस का एक वो है पार्ट, उसको भी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज को अपने इसमें इंक्लूड करो। इसलिए नहीं कि भैया इम्यूनिटी बढ़ जाए, कोरोना से बच जाए, वो तो चलो है ही है, बट एक्सरसाइज करने से क्या होगा ना, फिजिकल कुछ थकान होगी, फिजिकल कुछ काम करोगे तो यू विल गेट गुड स्लीप एंड नाइट। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये सिचुएशन है ना ये लंबी चलनी है दोस्तों, 6 मंथ, 1 ईयर, 2-1.5 साल, भगवान ना जाने। अभी तो चलो एक बात सुनने में आई है कि ऑक्सफोर्ड वाली जो मेडिसिन है उसके ट्रायल हो चुके हैं, कुछ ठीक ठीक हो रहा है, बट स्टिल दिस इज ए क्वेश्चन मार्क कि भैया अगर वो सही भी हो गई बाय द वे, देन वो कब तक आप तक पहुँचेगी? इतनी करोड़ जनता है इंडिया की, पहले तो भैया जहाँ है वहीं पहुँच रही है, तो ये एक बहुत मतलब लंबे समय तक चलना है। ठीक है सर, हाउ टू रिमेंबर करेंट अफेयर्स, मंजूर साहब पूछ रहे हैं। करेंट अफेयर्स को रिमेंबर करने के लिए एक लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। करेंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा।
बात समझ में आई? बात यह है, रेगुलर रिवीजन आपको ही करंट अफेयर में चाहिए ही चाहिए। अगर आप रेगुलरली रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो कुछ काम का नहीं है। मेरा एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान रखना है, पढ़ो भले दो बूंद, लेकिन दो बूंद को ऐसा पढ़ो कि आपको हमेशा याद रहे। बात समझ में आया? एक किताब पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो किताब हमेशा याद रहे, इंस्टेड ऑफ एक पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि आप पढ़ रहे हो BRI, आप 10 सोर्स उठा के देख लिया आपने BRI में, आप अपने अकेडमी के एक सर से पढ़ रहे हो, अकेडमी के दूसरे सर से पढ़ रहे हो, अकेडमी के तीसरे सर से पढ़ रहे हो, और BRI आपने 10 टीचर से पढ़ लिया, 10 टीचर के 10 नोट्स बना लिए, भैया अब आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो क्या करना है। एक टीचर से BRI पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत है एक और से पढ़ लो, दो से पढ़ लो भाई, पर फिर उसको ऐसा पढ़ो कि उसमें से कुछ भी पूछे ना, गलत ना करो, अपने आप को ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना इधर उधर इधर उधर। भाई चीज़ें कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि याद रहे, ठीक है? चलिए चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, ये हो गया अपना, है ना। ऑपरेशन वनीला, ये अभी एक काफ़ी न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों होता, साइक्लोन डियाने आया था जनवरी के आसपास की बात है, ठीक है। कहाँ पे आया था? मेडागास्कर, साइक्लोडियाने, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इनके लिए जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला। इसमें हमने कहा था भैया जो पॉपुलेशन यहाँ पे मेडागास्कर में अफेक्टेड हैं बाय साइक्लोन डियाना उनकी मदद करेंगे, और उसी के चलते हुए यहाँ पे ऑपरेशन वनीला लॉन्च हुआ था। देखो UPSC ना स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकती है, ब्लू डॉट नेटवर्क में भी या इसमें भी, तो आपको इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मेडागास्कर की जगह पे मॉरिशस लिख दे या साइक्लोन डियाना की जगह पे साइक्लोन कोरोना लिख दे, बात समझना। तो ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इंडियन नेवी ने एक और एम्बिशियस शिप भेजी थी वहाँ पे जिसका नाम था INS एरावट। क्या नाम था? INS एरावट। क्यों भैया? कपड़े, दवाइयाँ, रिलीफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचाने के लिए, ठीक है। क्या नाम है इसका? INS एरावत। और ये क्या है? ऑपरेशन वनीला। कहाँ की है भैया? इंडियन नेवी की है। और ऑपरेशन वनीला किसको भेजी गई थी, मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये ऑपरेशन है किसका है? इंडियन नेवी का है। मेडागास्कर की मदद करी गई थी साइक्लोन डियाना से जो लोग वहाँ पर अफेक्ट हुए थे उनके लिए, प्लस हमने मेडिसिन, दवाइयाँ, रिलीफ मटेरियल्स भी भेजे थे, उसको INS एरावट से भेजा था, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बंडी सिंह सर, करंट अफेयर्स कब से कब तक है? तो बंडी सिंह, अभी हम जनवरी 2020 से, फिलहाल जो अभी आपका डेट चल रहा है, इससे जून तक का मान लो, ठीक है, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स अभी हम स्टार्टिंग के 6 आवर्स में देखेंगे, एंड लास्ट के 4 आवर्स में हम पुराना जो जून 2019 से दिसंबर 2019 है वहाँ का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते चलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलना, बोलना ना पड़े, ठीक है। चलो, ओस्लो एकॉर्ड्स क्या है भाई? ओस्लो एकॉर्ड्स अभी न्यूज़ में था, ये 4 दिन पहले भी अभी न्यूज़ में आया था, वैसे करंट अफेयर में 7-8 दिन पहले भी ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था मुझे अभी, हाँ, आपका इसराइल ने जो है एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, आपको याद होगा वेस्ट बैंक साइड में अभी ये न्यूज़ चल रही थी, इसमें भी ओस्लो एकॉर्ड का न्यूज़ में आ गया था, ठीक है। अब ओस्लो एकॉर्ड क्या है, पहले तो बात करते हैं पैलेस्टीन की। भैया ये आप थोड़ा सा मैप देख लो, है ना, ये आप देख लो, ठीक है। अब अगर आप इसराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आएगी, अगर आपने बिल्कुल भी उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत है। अब आप ये कहोगे कि सर इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आप पढ़ा दो, तो बेटा दैट इज़ एन हाफ एंड मतलब 1-1.5 घंटे का टॉपिक तो वो खुद ही है, पर ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं उनको हल्की फुल्की नॉलेज होगी इसराइल पैलेस्टीन का जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये ओस्लो एकॉर्ड क्या है? ओस्लो एकॉर्ड है कि भैया, पहले ओस्लो एकॉर्ड देखते हैं क्या है। ओस्लो एकॉर्ड जो है ना आपका इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। और ओस्लो फर्स्ट 1993 में आया था। इसमें देखो तरीके दिखाए गए थे कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस, मतलब किस तरीके से एक आप कह सकते हो ना कि इसराइल को, इसराइल ने पैलेस्टीन के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था कि भैया इस तरीके से हम तुम्हें इंडिपेंडेंस देंगे, इस तरीके से हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे कोशिश करी गई थी ओस्लो 2 के माध्यम से भी 1995 में, बट भैया आज से इतने साल हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि इसराइल ने पैलेस्टीन को कुछ भी इसमें से जो वादा था वो पूरा नहीं किया है। एक जेरूसलम का मामला हमेशा क्वेश्चन मार्क रह गया कि भैया जेरूसलम किसका है। देखो मुद्दा क्या है ना, जो पैलेस्टीन के लोग हैं उनके भी धार्मिक स्थल, रिलीजियस साइट्स जो हैं वो जेरूसलम में है, वाइल आपके भैया जो इसराइल के लोग हैं इनका भी है, तो जेरूसलम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जेरूसलम को भैया सभी लोग अपनी कैपिटल मानने को बैठे हुए हैं, पर मुद्दा क्या है कि भैया जेरूसलम के ऊपर अभी US ने एक मूव ले लिया था,
यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अभी ओपनली सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और अभी अगर आप यूएस की हिस्ट्री देखो ना तो कोई भी प्रेसिडेंट आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना ओपनली सपोर्ट किया हो इसराइल को अगेंस्ट पैलेस्टीन। तो यूएस ने क्या कहा था कि भैया हम हमारी जो एम्बेसी है वो इसराइल की जो एम्बेसी, हम यूएस की जो इसराइल में एम्बेसी होगी वो हम जेरूसलम में बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एम्बेसीज होती हैं वो कैपिटल में बनती हैं, तो काइंड ऑफ ये एक इनफॉर्मल तरीका था डोनाल्ड ट्रंप का इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का कि भैया जेरूसलम जो है वो कैपिटल है किसकी, इसराइल की। तो ये सब मामला है। और अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था, पैलेस्टीन ने भैया धमकी दी थी कि यूएस जो है वो अगर मिडिल ईस्ट पीस प्लान अनाउंस कर देगा, क्योंकि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर यूएस ज़्यादा इंटरफेयर करेगा, लेमन लैंग्वेज में समझा जाए, यूएस ज़्यादा अगर इंटरफेयर करेगा तो भैया हम ओस्लो अकॉर्ड को मानेंगे नहीं, ओस्लो अकॉर्ड को मानने से हम मना कर देंगे। तो ये यहाँ पे मामला था, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसमें, एनएन ना कुछ होगा, लग तो नहीं रहा है। एक सेकेंड गाइस, अभी आ रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, दूर बंद कर दो। चलो ठीक है, लाइक पीओके वोंट, लाइक पाक वोंट लीव पीओके। ठीक है, वैसे अगर अभी काफी लोग इसमें ये बोलेंगे कि भैया हम तो छुड़ा लेंगे पीओके को ऐसा, बट प्रैक्टिकली देखो तो काइंड ऑफ बहुत इम्पॉसिबल है कि भैया आप वॉर कर लोगे पाकिस्तान से कि पीओके को ले लोगे, या फिर अस्काई चीन जो है भैया चाइना के पास से आप ले लोगे, तो ये सब बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें होती हैं, पर ठीक है, मतलब लोग कहते हैं, लोग मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला आर्टिकल है सागरमाथा संवाद के बारे में। किसके बारे में, सागरमाथा संवाद, नेपाल का ये इनिशिएटिव है, और बहुत ही मतलब कह सकते हो पिछले कुछ सालों में नेपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव है सागरमाथा संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत, और सागरमाथा का मतलब आई थिंक हिमालय होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ हिमालय ही होता है। ठीक है, क्या है भैया, नेपाल ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सागरमाथा संवाद के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारे ग्लोबल फिगर्स को भी साथ साथ इनवाइट किया गया था, और सार्क लीडर्स वहाँ पे सारे आए थे। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आइस ब्रेक होने की। क्या है मामला, समझ में नहीं आया ना आप लोगों को, चलो बताता हूँ। क्या कहना चाह रहा है भैया ये, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, गवर्नमेंट ना उनकी सुन रही है ना वो हमारी सुन रहे हैं, तो नेपाल ने भैया एक प्लेटफॉर्म पर सबको बुलाया था, वहाँ पाकिस्तान के भी लीडर आए थे, तो मामला यही था कि भैया एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों के बीच में कि इस चीज़ों को सॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, तो ये यहाँ पे बात सामने आई थी। ठीक है, ठीक है, मैंने माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। ठीक है, तो सागरमाथा संवाद जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का, और बाइनियल ग्लोबल डायलॉग है, 2020 से इसको स्टार्ट करने की बात करी थी। बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होगा नेपाल की रिसेंट हिस्ट्री में, अभी तक उन्होंने कुछ इस टाइप का कदम नहीं उठाया है। 2009 में स्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। संवाद का मतलब हो गया डायलॉग, सागरमठ का मतलब हो गया माउंट एवरेस्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, डाल सकता है संवाद, माउंट एवरेस्ट, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखना है आपको। इस बार की इन्होंने जो थीम रखी थी वो क्या थी, क्लाइमेट चेंज माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या है भैया, क्लाइमेट चेंज माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है, मेरा जवाब दोगे, चलो बताओ, ऑपरेशन मेघदूत क्या था भाई, ऑपरेशन मेघदूत क्या था। मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा कि आप लोग बस सुने नहीं, आप लोग भी कुछ जवाब दें। ऑपरेशन मेघदूत का नाम सुना है दोस्तों आपने, क्या है भाई जल्दी बताओ, अभी न्यूज़ में था। जो ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू जो चीज़ हमने पाई थी ना वो कुछ महीने पहले न्यूज़ में थी, क्यों थी भाई, क्या था मामला, कौन बताएगा। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है दोस्तों, क्या कर रहे हो आप लोग, बताओ जल्दी। वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, ऑपरेशन मेघदूत। कुछ जवाब आ रहे हैं, ठीक है, चलो कुछ कुछ तो आता है आप लोगों को, ये अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड,
सही दे रहे हो भाई, सही दे रहे हो, परेशान मत हो। ठीक है सर, स्ट्रीम डिले में लेट होता है। मैंने यार कहा था ये स्ट्रीम डिले ना किया जाए, बट पता नहीं क्यों हो गया है। तो मुझे बताना आनंद कैसे सही करते हैं, आज मैं बात करूंगा कि आगे से ये चीज़ ना हो। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू कोविड, इंडिया कैप्चर्ड सियाचिन, अनामिका अग्नोत्री। बिल्कुल सही है। ऑपरेशन मेघदूत क्या था, इंडिया ने सियाचिन को वापस लिया था। सियाचिन अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले था क्योंकि इसको टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया गया था। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स कैप्चरिंग सियाचिन ग्लेशियर। ईयर बताएगा कोई मुझे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1984। ठीक है, कंफर्म कर दो भाई किसी को अगर पता हो तो, बाकी मुझे जो लग रहा है 1984 ही था, है ना, अभी जो याद आ रहा है। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, इसके बाद देखो चाइनीज पेडल फिश अभी न्यूज़ में थी गाइस। चाइनीज पेडल फिश न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ये पेडल फिश जो है ना एक्सटिंक्ट हो गई है। क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। कहाँ पे पाई गई जाती है ये यांगजे रिवर में पाई जाती थी, और यांगजे रिवर से ये एक्सटिंक्ट हो गई है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आई है। ठीक है, रिसेंटली द चाइनीज पेडल फिश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय चाइनीज साइंटिस्ट। और कब स्पॉट हुई थी ये फर्स्ट टाइम, 2003 में। फ्रेश वाटर एंड स्टेटरियस इसकी हैबिटेंट है। IUCN स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में थी ये। ठीक है, यांगजी रिवर नाम सुना होगा आपने, चाइना की रिवर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है ये। ठीक है, अगर आप बात करें ना पैडल फिश, सिर्फ वर्ल्ड में दो ही टाइप की पैडल फिश पाई जाती थी, एक थी अमेरिकन पैडल फिश और एक थी चाइनीज पैडल फिश, जिसमें चाइनीज पैडल फिश तो एक्सटेंट हो चुकी है, तो अब बची क्या है, सिर्फ अमेरिकन पैडल फिश। और IUCN स्टेटस अमेरिकन पैडल फिश का है वनरेबल। ठीक है, और इस वाली का क्या था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने का है। और यांगजे रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो एंटायरली इन वन कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बताओ जल्दी, लॉन्गेस्ट पूछा है मैंने, ध्यान रखना, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, जवाब देना। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC, आपसे क्वेश्चन है, जवाब दोगे, यूनाइटेड नेशन के बाद, UN के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो इट्स OIC। OIC के अंदर 57 मेंबर्स हैं, और OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। भाई वर्ल्ड के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है, आपस में आप कह सकते हो कि मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। काफ़ी ये न्यूज़ में रही है पिछले साल भी, इस साल भी। जो लेट सुषमा स्वराज जी हैं हमारी, उनको यहाँ का एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इनवाइट किया गया था इसमें। अगर अभी बात करें तो इन्होंने कुछ दिन पहले एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसको भारत ने कहा था कि भैया हम थर्ड पार्टी की बात तो सुनते ही नहीं, आप क्यों एनवॉय अपॉइंट कर रहे हो। उसके बाद हमने 370 जब हटाया, इसके अलावा जब हमने अमेंड किया 370, या फिर जब हमने अयोध्या वर्डिक्ट का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, या फिर CAA को जब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तब भी OIC ने काफ़ी निंदा करी थी इंडियन गवर्नमेंट की। तो ये सारी चीज़ें हैं OIC, इसलिए अभी काफ़ी न्यूज़ में थी। तो अब OIC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इंडिया के पास वर्ल्ड की अगर आप देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुस्लिम्स हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ पे जो सेकंड सबसे बड़ा रिलीजन है वो मुस्लिम्स है, करीबन 17% के आसपास जो जनता है वो मुस्लिम है। पर इंडिया को OIC का मेंबर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फाउंडिंग मेंबर है OIC का, और वो नहीं चाहता है कि इंडिया इसका मेंबर बने। जब सुषमा स्वराज जी को भी बुलाया गया था तब भी पाकिस्तान काफ़ी नाखुश था। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनके बारे में अगर मतलब रिटर्न लेवल पे देखना हो तो बता ही दिया है मैंने आपको वैसे, बट देख लो 1969 में फॉर्म हुई थी, 57 मेंबर्स हैं, और 53 कंट्रीज बींग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं। ऑल दो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि भैया मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ के मेंबर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, OIC के परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। OIC का एम्स क्या है तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आप देख लेना, है ना। मेन क्या है, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, आपस में उनमें एकता बना के रखना, एंड ऐसा ऐसा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग का रिवर वाला जवाब सही है सभी का, वेरी गुड। इसके बाद देखो अगर आप बात करें कि इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, तो मैंने बताया OIC की रिलेशन जो इंडिया के साथ है कोई खास नहीं है। इंडिया ने पहले मांग करी है कि हमें इसका मेंबर बना दो,
हमने इसकी मांग क्यों करी है, जो कि पाकिस्तान इसमें OIC के लोगों को भड़काए ना इंडिया के अगेंस्ट में, तो इंडिया चाहता है कि वो भी यहाँ पे रहे इसके आसपास, जिसमें उसको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमें इसका मेंबर नहीं बनने देता है। दूसरी चीज़ ये कि अभी मैंने सुषमा स्वराज जी वाला तो आपको बता ही दिया है, ये भी ठीक है, इसमें और कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, है ना, ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे इसके, तो आपके कितने थे, 30। OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताएगा, OIC का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट में, ठीक है, चलें बढ़ें आगे। ये देखिए सुषमा जी वाली बात लिखी है, PDF जब डाउनलोड करो तब देख लेना, 46 मीटिंग में गई थी। चलिए ठीक है, विजिट नेपाल 2020 क्या है भैया, विजिट नेपाल 2020 न्यूज़ में था, क्यों था न्यूज़ में, विजिट नेपाल 2020 न्यूज़ में था, क्यों था। इंडिया ने अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म प्रहलाद पटेल जी को भेजा था विजिट नेपाल 2020 में, जो कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव ऑफ काठमांडू है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, विजिट नेपाल 2020, ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नेपाल का एक इनिशिएटिव था, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से लीडर्स को बुलाया गया था। इसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हुई थी जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो ये हुआ था कि चाइना के एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं जिनका नाम क्या है, जूगिंग, क्या नाम है, जूगिंग, ठीक है, ये देखिए नाम लिखा हुआ है आपके सामने, इनका नाम है जूगिंग, तो इनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है एज ए गुडविल एम्बेसडर इसका, तो इंडिया को ये चीज़ बहुत खटकी। अगर आप देखोगे तो नेपाल में ज़्यादातर बॉलीवुड का कल्चर होगा कंपेरेटिवली चाइना का, ठीक है, तो ये तो कोई तथ्य नहीं बनता था। दूसरा ये कि भैया नेपाल जो है पुराना हमारा साथी है, ऑल दो अभी तो भैया चाइना के पास जाके ज़्यादा करीबियत इसकी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इंडिया को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, और इनका नाम क्या है, जूगिंग, इनको गुडविल एम्बेसडर इसका बना दिया गया था, ठीक है। और ऐसा पहली बार ही हुआ था इसी इनिशिएटिव के थ्रू, कि जब डिसाइड हुआ था कि इंडिया नेपाल एंड चाइना जो है वो ट्राइलेटरल टूरिज्म एक्सपो जो है वो फेब में स्टार्ट करेंगे, पहली बार ऐसा हुआ था, इसी आपके विजिट में ये बात सामने निकल के आई थी, ठीक है। तो ये दिस इज़ अबाउट आपका विजिट नेपाल 2020, एंड आई थिंक ये आपको जो है क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो अगला आर्टिकल पे बढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स देखो PPT फॉर्म में, कुछ मैंने डायरेक्ट बना रखे हैं, तो मैं आपको लिख के बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप लोगों करिएगा, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको कुछ आर्टिकल्स नई, मतलब जिन्होंने पहले भी एक दो क्लासेस अटेंड कर रखी है मेरी, और सभी के लिए एक वो रिक्वेस्ट है कि भैया ऑलरेडी हमने ईयरली करंट अफेयर का एक सीरीज़ थी जो चल रही थी, जिसको हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर रखा है, तो आप लोग भैया उसको ईयरली करंट अफेयर राउंड अप सीरीज़ के नाम से एन अकेडमी के इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से वीडियोस देख सकते हो, उसमें 13-14 वीडियोस हैं, उसमें एक साथ सारी वीडियो हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेलगाम के बारे में, किसके बारे में, बेलगाम न्यूज़ में था, क्यों था भाई बताओ, मैंने पढ़ाया है वैसे ही आपको, बेलगाम वॉज इन न्यूज़ क्यों था भाई बताओ, बेलगाम डिस्प्यूट न्यूज़ में था, क्या मामला था। देखो बेलगाम डिस्प्यूट को न्यूज़ में रहने का कारण क्या था, कि कर्नाटका और महाराष्ट्र इन दोनों के बीच में टेंशन्स थी, किन दोनों के बीच में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जो बस सर्विसेज थी कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र एंड बेलगाम कर्नाटका के बीच में, बसेस की सर्विसेज को रोक दिया गया था, काफ़ी बीच में बवाल भी हो गया था वहाँ पे, मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ एक रियॉस टाइप के छोटे लेवल पे वहाँ बढ़ चुके थे इस पर्टिकुलर रीज़न को लेके, जिसका नाम है बेलगाम। देखो बेलगाम में काफ़ी सारी जनता जो है वो मराठी बोलती है, बेलगाम ऑफिशियली कर्नाटका का पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र बेलगाम को बहुत समय से क्लेम करता है, महाराष्ट्र ऐसा कहता है कि भैया बेलगाम जो है वो हमारा पार्ट है, कर्नाटका इस बात को नहीं मानता है, कर्नाटका कहता है भैया हमारा पार्ट है। फर्स्ट टाइम 1956 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उस टाइम पे बेलगाम को कर्नाटका में दे दिया गया था, महाराष्ट्र ने इस बात को नहीं माना, महाराष्ट्र ने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट ने उस समय कमीशन बनाई जिसका नाम था महाजन कमीशन। ये कमीशन बनी थी 1966 में, कब बनी थी गाइस, 1966 में। 1967 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और कहा जो बेलगाम है वो कर्नाटका का ही पार्ट रहेगा, और महाराष्ट्र ने तब से इस बात को मानने से मना कर दिया।
बीच बीच में महाराष्ट्र जो है इस बात को उठाता है, कभी कभी भूल भी जाता है, बट अभी ये जनवरी मंथ में काफ़ी मामला जो है वो न्यूज़ में आ गया था और काफ़ी ज़्यादा इस पे आप कह सकते हो कि वॉयलेंस पनप गया था, तो इसीलिए न्यूज़ में था। एंड आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, ठीक है, सही है। अनन्य सिंह सर, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दीजिए, मामला सेटल हो जाएगा। बेटा कहाँ, अभी कोरोना वोरोना करवाओगे तुम भी, है ना भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। और कोई, किसी को कोई डाउट आउट रहे तो पूछते रहना। आईएस पूनम, गुड आफ्टरनून आईएस पूनम, भगवान करे आप आईएस बन जाएं। आकांक्षा राजाक सऊदी अरेबिया बोल रहे हैं, आईआर में और भी क्लासेस बची हैं क्या? अनन, क्लासेस नहीं बची हैं, आज ही सब कवर करा दूंगा मिक्स करके, है ना, तो परेशान मत हो। आज लास्ट क्लास है ये अपनी, मतलब इस वाली, ये डिवीज़न सीरीज़ की। फिर एक नया अपन कुछ स्टार्ट करेंगे, डेली न्यूज़ एनालिसिस और समथिंग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन का जवाब देना दोगे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने थे? इनिशियल लेवल पे, जब इनिशियल सुप्रीम कोर्ट आजाद भारत का इस्टेब्लिश हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था, तब हमारे देश में कितने जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में? ये जवाब देना है आप लोगों को, देन वी विल गो आगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी, समय नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। 5? नहीं अनन, गलत है। 25 संदीप, बिल्कुल गलत है भाई। रश्मि सिंह 8, सुभेश्चा निखारी सिंह नो आइडिया, बंटी 5, 8 और 10। ठीक है, चलो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को सेक्शन बता रहा हूँ। 124 सब क्लॉज 1 सेक्शन, नहीं आर्टिकल, गलत हो गया है ना। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 पढ़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 पढ़ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। संदीप द्विवेदी गलत है बच्चे, दोस्त मेरे, 25 जजेस नहीं थे। मसूद हसन का जवाब बिल्कुल सही है। बाकी जिनको अभी समझ में नहीं आया, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 पढ़ना, आप लोगों का आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल पे बढ़ते हैं भैया। तो अगला आर्टिकल जो है आपका वो है पीपीआर टीएमएस के बारे में। किसके बारे में? पीपीआर टीएमएस क्या है ये? पीपीआर टीएमएस कोई बताएगा मुझे क्या है ये? जल्दी बताओ, पीपीआर टीएमएस क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज क्या? पीपीआर टीएमएस, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीआर टीएमएस। देखो होता क्या था, पहले भाई कोई एक्स नाम का बंदा है, इसने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मान लो इसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है एक्स पार्टी, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसने इलेक्शन कमीशन में भैया एप्लीकेशन डाली, और वो पता ही नहीं चल रहा है कि भैया क्या चल रहा है, कहाँ पे बात पहुंची। तो इसके चलते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है पीपीआर टीएमएस। अगर आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करानी है, और जो कि आपने करने के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आप अपना स्टेटस जो है ना वो इस पोर्टल पे चेक कर सकते हो। इस पोर्टल का नाम है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर है? किसने लॉन्च किया था? इलेक्शन कमीशन के अंदर ये काम करता है। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है? ठीक है, क्लियर है। एक बात बताओ, ये रजिस्ट्रेशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है? आरपीए एक्ट, ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसी 1951, आरपीए एक्ट 1951 के थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो चलता है, तो गलत नहीं करना आपने, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे यार, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक सेकेंड यार, वो आर्टिकल खोल लूँ। ठीक है, अगला जो है आर्टिकल वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2019।
न्यूज में क्यों है भाई, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट AECR 2019 जो है वो एनजीओ प्रथम के द्वारा रिलीज करी गई है। नाम ध्यान रखना इसका, इसका नाम क्या है, एनजीओ प्रथम, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन आए, नाम से समझ सकते हो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एजुकेशन का क्या हाल चल रहा है देश में, ठीक है। तो इसमें भैया क्या क्या चीजें सामने आई हैं कि करीबन 37,000 बच्चों का इन्होंने इसमें सर्वे किया था, जिसमें क्या आया कि बिटवीन 4 to 8 ईयर्स इन 26 रूरल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 24 स्टेट्स, यहाँ पे इस तरीके से चुने गए थे लोग और इसका प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया था। क्या क्या चीज़ें आई थी, 16% चिल्ड्रन जो हैं क्लास फर्स्ट में हैं, इन ओनली 16% ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास फर्स्ट इन 26 सर्वेड रूरल डिस्ट्रिक्ट कैन रीड टेक्स्ट एट द प्रिस्क्राइब लेवल। मतलब भैया ये इस क्लास में 16% बच्चे ही ऐसे हैं जो उस क्लास में जितनी चीज़ें जो पढ़ने लायक होती है या फिर जितना उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, जो उस क्लास का लेवल है उसके हिसाब से पढ़ पा रहे हैं, ओनली 16%, आप समझ रहे हो। वाइल ऑलमोस्ट 40% कैन नॉट इवन रिकोगनाइज लेटर्स, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, 40% जो हैं वो लेटर्स को भी रिकोगनाइज नहीं कर सकते हैं, एंड ओनली 41% ऑफ दीज चिल्ड्रन को रिकोगनाइज 2-digit नंबर्स। तो ये इस रिपोर्ट में एक पहली बहुत दर्दनाक तथ्य सामने आया। इसके बाद द सर्वे शोज दैट अमॉन्ग क्लास फर्स्ट चिल्ड्रन हु कुड करेक्टली डू नन और वन ऑफ द टास्क रिक्वायरिंग कॉग्निटिव स्किल्स, अबाउट 41% कुड रीड वर्ड्स वाइल 19% कुड डू अ सिंगल डिजिट एडिशन। सिंगल डिजिट एडिशन समझ रहे हो ना, इसको अब हिंदी में क्या एक्सप्लेन करूँ, यहाँ आप समझ ही रहे हो क्या लिखा हुआ है। एंड दोज चिल्ड्रन हु कुड करेक्टली डू ऑल थ्री कॉग्निटिव टास्क 52% कुड रीड वर्ड्स एंड 63% कुड सॉल्व द एडिशनल प्रॉब्लम्स। तो भैया ये देखो इस डेटा में आया था, वैसे देखो ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे ये सारी चीज़ें, और हमारा मकसद प्री का है यहाँ पे, ज़्यादा मेंस पे भी फोकस नहीं है। ये डेटाज आप यूज़ कर सकते हो मेंस में अपने आंसर राइटिंग में, जिसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखो इसके बारे में, प्रथम का नाम आपको ध्यान रखना है और बाकी चीज़ें, बाकी PDF से मेंस के लिए आप इसमें पढ़ सकते हो, तो ये चीज़ें हैं आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल जो है वो है क्यूरेटिव पटिशन। क्या है, क्यूरेटिव पटिशन, अगला आर्टिकल क्या है, क्यूरेटिव पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन न्यूज में था, ये क्यों था बताओ कोई मुझे जल्दी। टीचर तक तो पढ़ नहीं पाते ना स्कूल की इंग्लिश, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अनन ने बहुत सही बात बोल दी। जगजीत सिंह सिंह आर्टिकल 124(1) कह रहा है कि देयर शॉल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड लार्ज नंबर नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। तो जगजीत सिंह के जो इस आर्टिकल का जो उन्होंने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने जजेस होने चाहिए जब देश आजाद हुआ था, 7+1, तो आंसर क्या था, 8, ठीक है। चलो क्यूरेटिव पटिशन क्या है, बेल बिफोर अरेस्ट गलत है आनंद, वो एंटिसिपेटरी बेल है भैया, ये क्यूरेटिव पटिशन की बात हो रही है। क्यूरेटिव पटिशन देखो, अभी निर्भया केस में जो बंदे थे जिनको कन्विक्टेड थे उनके वजह से न्यूज में आ गया था। क्यूरेटिव पटिशन क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको पहले हम समझते हैं, फिर मैं आपको टेक्निकल चीजों पर जाके इसको पढ़ाऊंगा। देखो एक सुप्रीम कोर्ट है, देश की सुप्रीम कोर्ट है हमारे, और ये आपके सर हैं, ठीक है, MPS, ये कोड भी ध्यान रखना, ये UPSC का सब्सक्रिप्शन लेना अन अकेडमी में तो MPS कोड यूज करना है, ठीक है। चलो भैया ये MPS आपके सर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, मेरे ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए हैं, मान लो मर्डर का ही लगा हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दी, डेथ पेनल्टी दे दी, क्या दे दी, डेथ पेनल्टी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है। मैंने भैया इसके अगेंस्ट मेरे पास क्या रेमेडी है, मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइल करूंगा, रिव्यू पटिशन, क्या फाइल करूंगा, रिव्यू पटिशन। रिव्यू पटिशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डेथ पेनल्टी दे दी भैया, अब मेरे पास क्या रेमेडी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो पार्डन लेने के लिए, तो गाइज आप गलत हो। रिव्यू पटिशन के बाद मेरे पास एक और रेमेडी है, वो है क्यूरेटिव पटिशन, और क्यूरेटिव पटिशन में भी अगर मुझे डेथ पेनल्टी दे दी गई तब मैं कहां जाऊंगा, प्रेसिडेंट पार्डन करने, ठीक है, बात समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आता है जजमेंट, जजमेंट से अगर आप नाखुश होता फाइल कर सकते हो रिव्यू पटिशन, रिव्यू पटिशन से भी आप नाखुश होता फाइल कर सकते हो क्यूरेटिव पटिशन, ठीक है। एंड देन आपके पास लास्ट रिजॉर्ट होता है क्या, प्रेसिडेंशियल पार्डन, क्लियर है। तो अनन्या सिंह सर कंफ्यूज हो गए थे, बहुत गलत कंफ्यूजन था भैया ये उसमें और इसमें, भाई IAS के लिए देख रहे हो ना, फैंटास्टिक सर टीचर तो ठीक है ठीक है ठीक है, निर्भया केस ठीक है, निर्भया कन्विक्ट ठीक है, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, क्यूरेटिव पटिशन के बारे में हमने देखा,
सबसे पहले डिसीजन आया, मुझे डेथ पेनल्टी मिल गई, मैं खत्म होने वाला था, पर मुझे लगा कि भाई बचने की उम्मीद है। मैंने रिव्यू पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन में भी मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कि जजेस ने मुझे फिर उसमें डेथ पेनल्टी दे दी। फिर मैंने क्या डाला, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन में भी मुझे डेथ पेनल्टी मिल गई, तब मैंने डाला प्रेसिडेंट पार्डन। पार्डन में प्रेसिडेंट ने मुझे माफ करने से मना कर दिया, एंड आपके सर को क्या हो गई, डेथ पेनल्टी मिल गई, मेरे को फांसी हो गई, मेरा काम तमाम हो गया। ये आपको समझाने के लिए, दिल पे मत लेना, मैंने भाई कोई मर्डर नहीं किया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। क्यूरेटिव पिटीशन पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 100% यूपीएससी पूछ सकता है, एंड इस बार काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ कि क्यूरेटिव पिटीशन को सिर्फ क्लोज डोर्स में सुना जा सकता है, क्लोज डोर्स का मतलब क्या होता है कि आपके चैम्बर में जो जजेस हैं वो अपने चैम्बर में डिसीजन ले रहे हैं, ओपन कोर्ट में नहीं फैसला हो पाता, तो मेरा स्टेटमेंट है, आप लोग मुझे बताएंगे ट्रू है कि फॉल्स है, कि क्यूरेटिव पिटीशन कैन ओनली बी हर्ड इन क्लोज डोर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मसूद हसन, आपका कमेंट पढ़ लिया भाई मैंने, परेशान मत हो, आपने एक सही जवाब दिया था अभी जजेस वाला, मैंने आप बोला भी था हसन साहब। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे और सेशंस के बारे में जानने के लिए, इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम पे जाना, LETSSTUDYYY, ये लिख के @ लगा के सर्च कर लेना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा लेट्स क्रैक UPSC CSE बाय मानवेंद्र करके भी आप सर्च कर सकते हो, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे भैया, आकांक्षा, मनीष, राहुल, विनीत, जगजीत, सुभाष चंद्र, तमन्ना राठौर, गुड आफ्टरनून तमन्ना, आपने जवाब नहीं दिया। जितनों ने भी यहाँ पे ट्रू बोला है ना भैया, आपका जवाब बिल्कुल 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 गलत है भैया, गलत है। क्यों? क्यूरेटिव पिटीशन क्लोज डोर्स में सुनी जाती है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ वही हो सकता है, आप ओपन कोर्ट में भी क्यूरेटिव पिटीशन को सुन सकते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्यूरेटिव पिटीशन को ओपन कोर्ट में भी सुना जा सकता है अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, अगर लगता है कि भैया जरूरत है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो क्लोज डोर सुनी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बंटी एंड मसूद हसन एंड अनन ने कुछ कुछ जवाब दिया है, तो ये चीजें थी, थोड़ा सा ध्यान रखो भैया, गलत जवाब ऐसे दे रहे हो कैसे काम चलेगा। चलो अब क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से कुछ चीजें बताता हूँ जो आपके एग्जाम में और आ सकती है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है भैया, आप लोग PPT PDF ज़्यादा दे दो ना, तो आप पूरा नोट्स पे ध्यान देने लग जाते हो, खुद से कुछ नहीं पढ़ते हो, आपका फोकस होना चाहिए समझने पे। आपको करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर में कुछ चीज़ें रटनी है, देखो ऑफकोर्स ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि करंट अफेयर में कुछ रटना नहीं है, जनरल नॉलेज में कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल 40% चीज़ें रटनी है, लेकिन 60% चीज़ें कॉन्सेप्ट पे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा ना, तो 40% जो रटा होगा वो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें अपने आप याद आ जाएंगी, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो क्यूरेटिव पिटीशन जो है, मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी हैं, और अभी इसमें देखो एक दो चीजें हैं। सबसे पहला एक इसमें क्वेश्चन आता है कि क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भैया किस केस से आया था, तो ध्यान रखना इस केस का नाम क्या है, हुर्रा वर्सेज हुर्रा केस, हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस, ठीक है। क्या नाम है, हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस। ये केस था जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा नाम था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस, बट आपने हुर्रा वर्सेस हुर्रा भी याद रख लोगे काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वॉज फर्स्ट, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है क्यूरेटिव पिटीशन के कॉन्सेप्ट को, तो आर्टिकल 137 जो है ना वो रिव्यू पिटीशन को भी सपोर्ट करता है, और यही आपका आर्टिकल क्यूरेटिव पिटीशन को भी सपोर्ट करता है। आर्टिकल 137 कहता क्या है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कहता ये है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि उनके डिसीजन में कुछ कमी है तो वो उसको रिवर्स कर सकते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं, और इसी से भैया आपका क्या निकल के आया, रिव्यू पिटीशन, और इसी से क्या निकल के आया, क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे भैया जजमेंट आया, डिसीजन आया, इसकी 30 दिन के अंदर ही आपको अपनी ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी है या रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है, ठीक है। जैसे भैया डिसीजन आया तो रिव्यू पिटीशन कितने दिन बाद फाइल करोगे, 30 दिन के अंदर, ठीक है। फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी आपकी उसी के बाद आती है, तो वो भी आप 30 दिन के अंदर ही कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं,
एंड आई थिंक आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक मेरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का आप लोग मुझे बताना ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को आप लोग मुझे बताएंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्यूरेटिव पेटिशन इज द लास्ट जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल टू द, नहीं ठीक है गलत हो गया, अब बता दो स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ। प्रेसिडेंशियल पार्डन इज द लास्ट जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल टू अ विक्टिम और कल्प्रिट। प्रेसिडेंशियल पार्डन इज द लास्ट जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल टू अ विक्टिम और अ कल्प्रिट। हिंदी में बोल देता हूँ कि प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है वो आखिरी न्यायिक क्या कह सकते हैं इसे यार हिंदी में, अरे हिंदी में क्या बोलेंगे यार इसे, रेमेडी को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे तो वो है किसी भी इंसान के पास अपने आप को बचाने की, ठीक है। तो मुझे इस स्टेटमेंट को बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो आनंद ने बोला ट्रू, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ब्रदर जी एंड बिकम मेंबर ऑफ योर चैनल। यस मसूद हसन, यू कैन ज्वाइन माई चैनल एंड बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल, ठीक है। यस ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, काफी लोगों के भी अलग अलग जवाब आ रहे हैं, सभी लोगों ने बहुत ही अलग अलग जवाब दिए हैं, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंशियल पार्डन इज द लास्ट जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल टू अ विक्टिम और कल्प्रिट। भैया जुडिशियल रेमेडी लास्ट कौन सी है, वो आपकी क्यूरेटिव पेटिशन है, नॉट प्रेसिडेंशियल पार्डन। अगर मैं ऐसे बोलता कि भैया प्रेसिडेंशियल पार्डन इज द लास्ट रेमेडी टू अ एनी गाय जो किसी केस में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको कुछ सजा मिली हुई है, तब तो बात समझ में आती। पर मैंने बोला जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी आखिरी कौन सी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी क्यूरेटिव पेटिशन है, नॉट प्रेसिडेंशियल पार्डन। ये डाउट क्लियर हुआ, प्रक्रिया। अच्छा नामिका ने हिंदी बताया, ठीक है। अब बताओ मुझे जल्दी, ये समझ में आया जो मैंने बेसिक बात बताई आपको, क्लियर है? ठीक है चलो वेरी गुड। ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ये समझ में आ गया ना जो मैंने बोला है अभी आपसे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो क्यूरेटिव पिटीशन के मामले होते हैं ना, ये उसी बेंच के पास जाते हैं जिसने पुराने बार इनकी बातें सुनी थी, ठीक है। जैसे मान लो रिव्यू पिटीशन में जिन्होंने सुना था, उन्हीं के पास ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूरेटिव पिटीशन का मामला भी जाएगा, और यही होता है इसमें मोस्टली। बट अगर बाय द वे कोई जजेस नहीं है देन फिर कुछ रिप्लेसमेंट होती हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 131 अभी न्यूज़ में था, क्यों था भैया कुछ बताओ, याद करो। अनुच्छेद 131 अभी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, क्यों था न्यूज़ में बताओ। मसूद हसन एक आंसर किया सही दे दिया, तब से आते मचा रखा है इधर। अरे संदीप कोई बात नहीं यार। आदित्य गुड आफ्टरनून, ठीक है चलो बताओ मुझे इसका जवाब। हाउ मेनी पीपल गो इन क्यूरेटिव पिटीशन इंस्टेंटली, हाउ मेनी पीपल मतलब मसूद, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। संदीप करेक्ट है, वेल डन, बहुत अच्छे। आदित्य गुड आफ्टरनून, राहुल सिंह केरला, ठीक है बिल्कुल। आप लोगों को समझ में आ गया आर्टिकल 131 न्यूज़ में क्यों था। आर्टिकल 131 न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि केरला गवर्नमेंट जो है भारत की पहली ऐसी स्टेट बनी थी जिसने आर्टिकल 131 का यूज़ करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो CAA था उसको चैलेंज किया था, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। किसने किया था गाइस, केरला ने, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, CAA को चैलेंज किया था, ठीक है। आर्टिकल 131 क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को समझते हो आप लोग, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि आप लोग डायरेक्टली इन केसेस को सुन सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, इसका मतलब कि डायरेक्टली इन मामलों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको सारी ऐसा नहीं होता, देखो नॉर्मल क्या होता है, कोई भी केस फाइल करना हो आपको तो पहले आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर जाओगे आप हाई कोर्ट्स में, फिर जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में, या फिर अगर कोई रिट होगी तो पहले हाई कोर्ट में डाल लोगे मोस्टली, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जो मतलब मेन इसका जो लमसम प्रोसेस होता है। बट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब कि इस मामले के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी अगेंस्ट CAA बाय यूजिंग आर्टिकल 131, ठीक है। चलो ठीक है, वैसे आर्टिकल 131 का मामला किस किस के लिए होता है, देखो जब भी कभी स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाइयाँ हों या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट की लड़ाइयाँ हों,
यूनियन टेरिटरी वर्सेस स्टेट की लड़ाइयाँ हो, यूनियन टेरिटरी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई हो, तो इस तरीके के जितने भी मुद्दे होते हैं ना, इन सबको डील करने के लिए आर्टिकल 131 का यूज़ हो सकता है, और आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है चलो। इसके बाद देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बहुत बड़े हैं, बट अगर आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ ना, इस आर्टिकल का यूज़ करके आप तब भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको ये बात लगती है कि कोई लीगल इशू इन्वॉल्व है। अगर कोई लीगल इशू इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तो आप आर्टिकल 131 का यूज़ करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और मेरा आपसे मतलब है स्टेट से, जो स्टेट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या यूनियन टेरिटरी हो गई, तो ये लोग तभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 का यूज़ करके जा सकते हैं जब इनको यहाँ पे कोई लीगल इशू जो है वो क्वेश्चन में होगा। ऐसा नहीं है कि भैया कुछ कुछ दूसरे ऐसे बकवास मामले हों और उसको लेके आप चले जाओ आर्टिकल 131 में। ठीक है, तो लीगल इश्यूज जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप आर्टिकल 131 का यूज़ करके डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? वैसे इसको मैं पढ़ देता हूँ जो एग्जैक्टली क्या है लैंग्वेज। द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ ए लीगल राइट डिपेंड्स। ठीक है, कुछ ऐसा मामला होना चाहिए। या फिर दूसरा, द ज्यूरिडिक्शन शॉल नॉट एक्सटेंड टू अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रिटी एग्रीमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट विच हैविंग बीन एंटर इन टू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट और विच प्रोवाइड्स दैट द सेट ज्यूरिडिक्शन शॉल नॉट एक्सटेंड टू अ सच अ डिस्प्यूट। अब भैया आप समझ गए होंगे, मामला अगर लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो काइंड ऑफ जब तक लीगल मामला नहीं होगा ना, आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका एक्सेप्शन है, एंड आई थिंक आपको जो है ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सर बंटी सिंह कह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य प्रकाश कमेटी। क्या है? सूर्य प्रकाश कमेटी क्यों थी न्यूज में बताओ? सूर्य प्रकाश कमेटी न्यूज में क्यों थी बताओ? सर प्लीज डिस्कस द स्पीकर पावर एज वेल। ओके मनीष, आएगा वो भी आएगा, परेशान मत हो, न्यूज़ में था वो भी आएगा। सूर्य प्रकाश कमेटी अभी न्यूज़ में थी क्यों थी? देखो भैया, भारत में पॉलिटिशियंस को पहले तो सुना नहीं जाता था। ठीक है, फिर कुछ लोग सुनते भी थे तो वो कैसे सुनते थे कि जो न्यूज़ चैनल्स होते थे उनको जिसका भाषण अच्छा लगता था वो उनकी वीडियोस को थोड़ा बहुत अपने चैनल पे चलाते थे, दिखा देते थे। फिर उस समय पॉलिटिशियंस को ऐसा लगा कि यार हम तो हीरो बन ही नहीं पा रहे, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, हमें तो कोई जान ही नहीं रहा है, तो हमें भी हीरो बनना है। तो इन्होंने कहा कि चलो क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसमें सिर्फ हम ही हम दिखें, और इन्होंने स्थापना करी लोकसभा टीवी की। किसकी करी? लोकसभा टीवी की, LSTV 2006 में। और उसके बाद से आपने लोकसभा टीवी पे इन लोगों को लाइव देखना शुरू किया। फिर इनका मन नहीं माना, इन्होंने एक और चैनल बनाया RSTV। ये 2011 में बनाया था, कोई कंफर्म करना, वैसे RSTV 2011 या 12 में था। ठीक है, तो RSTV बनाया 2011 के अंदर, और दोनों का पर्पस क्या था दोस्तों? दोनों का पर्पस यही था कि इन लोगों को लाइव आप लोग देखें, इन लोगों के बारे में आप जानें कि क्या बोल रहे हैं ये पार्लियामेंट के अंदर। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट कुछ दिन बाद और समझदार हुई, उन्होंने कहा कि अब पॉपुलरिटी बहुत मिल चुकी है, पॉलिटिशियंस को लगा अब तो बहुत हीरो बन चुके हैं, अब गवर्नमेंट के अंदर आके हमें नुकसान हो रहा है। भारत सरकार को ऐसा फील हुआ कि लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी का जरूरत जो है साल में 100 दिन के आसपास पड़ता है जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, बाकी टाइम इन चैनलों के ऊपर काफ़ी सारा रिसोर्स खर्च करना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता होगा, तो क्यों ना हम इन चैनलों को मर्ज कर दें जिससे कि कुछ पैसा जो इस पर लगता है वो कम हो जाए। इसी के चलते हुए लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मर्ज करने के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी का नाम है सूर्य प्रकाश कमेटी। सूर्य प्रकाश साहब विविध भारती के चेयरमैन हैं और इनके अंडर में इस कमेटी को बनाया गया है जिसका पर्पज है लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज करना। क्लियर है? बिल्कुल, अनन ने बिल्कुल सही बोल दिया, वेस्टेज ऑफ फंड टू रन टू चैनल्स विथ लेस कंटेंट। नीट के बाद किया करें प्लीज़ बताएं। गुड आफ्टरनून चेतना, द मर्जर राज्यसभा लेजिस्लेटिव टीवी। ठीक है, लोकसभा टीवी का विलयन राज्यसभा। ठीक है, अब देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अभी किसी बच्चे ने पूछा, किसी दोस्त ने मेरे पूछा कि सर 12th के बाद क्या करें, या फिर कॉलेज में है, कॉलेज के बाद क्या करें, रुपए नहीं है, किसी का कमेंट था ऊपर। मैं एक चीज़ बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ
दोस्तों देखो, जब मैं अपने कॉलेज में था ना, ऐसा नहीं था कि भाई आई वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, नहीं था ऐसा। मुझे भी पढ़ाई करनी थी। एक अभी इस बार IPS हुए हैं, सैफिन हसन नाम है उनका, ऐसे एक इंटरव्यू एक दिन मैं देख रहा था उनका, तो उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी अपने इंटरव्यू के अंदर कि ही वॉज नॉट हैविंग मनी टू गो इन द कोचिंग। ये उन्हीं का इंटरव्यू है, मैं उसी से कोट कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोचिंग जाने का पैसा नहीं था उनके पास, बट ही वॉज श्योर कि उन्हें कोचिंग करनी है IAS की, एंड ही टुक मनी फ्रॉम अ बिजनेसमैन, जो उनके गांव में कोई बिजनेसमैन थे, उनसे उन्होंने पैसा लिया एंड देन उन्होंने कोचिंग करी एंड ही क्रैक्ड IAS, मतलब IPS बन गए वो, तो उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं भी कॉलेज में था तो ऐसे बहुत फाइनेंशियल कोई स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी तो उधर से पैसे अरेंज किए, मतलब लोन लिया, कुछ किया, अपनी पढ़ाई लिखाई करी, एंड नाउ आई कैन पे देम बैक और आज ठीक ठाक लाइफ में सर्वाइव कर पा रहा हूँ। बट अभी मेरी भी मतलब प्रिपरेशन चल रही है, बट मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, इस लेवल पे मैं आ चुका हूँ कि अपने पैसे मेरे जो भी मैंने लिए थे, लोन वोन सब चुका दिया है, मस्त लाइफ चल रही है, ठीक है, और आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन में पैसा खर्च करने से बिल्कुल मत कोताही करो, एजुकेशन में पैसा खर्च करो। अगर आप पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत गलत बात है। आप दुनिया भर में पैसा खर्च करते हो, एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं करते हो। इंसान कोई भी बिजनेस करता है तो रिस्क लेता है ना, एजुकेशन में भी रिस्क लेके देख लो, सबसे ज़्यादा यहीं से प्रॉफिट आना है, क्योंकि एजुकेशन कभी वेग नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती, ठीक है। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो बहुत ही लो कॉस्ट पे यार। आप ये देखो ना कि 68K में आपको 2 साल की कोचिंग हो रही है, 2 ईयर्स की, कोई देता है क्या? नहीं कराता है। 47K में आपकी 1 साल की कोचिंग होती है, कोई कराता है क्या? नहीं कराता है। और यही नहीं, यहाँ पे भी फिर हम आपकी मदद कर रहे हैं, अगर आपने मेरा जो कोड यूज़ कर लिया MPS, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये 67 जो है वो आपका 57 हो जाएगा, ये 47 आपका 38K हो जाएगा, ठीक है। बट ये कोड आप ध्यान रखना, इसको यूज़ नहीं करोगे ना, ये मेरा तरीका है आपकी मदद करने का, तो ये कोड आप ध्यान रखना MPS। बट इन सबसे बात मेरी क्या है ना, एजुकेशन में पैसा खर्च करो, बहुत फल मिलेगा बाद में, ठीक है। और हर इंसान को अपने सफलता की जर्नी के लिए एक गाइड की जरूरत होती है, एक मेंटोर की जरूरत होती है। बेस्ट एग्जांपल आप अर्जुन की कहानी देख लो महाभारत में, इतने ब्रिलियंट धनुधर होने के बाद भी ही नीड ए सारथी, जिनका नाम था कृष्ण भगवान। तो आपको भी सारथी चाहिए, हम सारे टीचर्स जो हैं वो सारथी हैं। तो इस लेवल पे इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं, वो आपको किसी भी कोचिंग संस्था में जो 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं, वहाँ भी नहीं मिलेंगे। एंड एन अकेडमी इज गिविंग यू सो मच एट वेरी लो कॉस्ट। ना टेस्ट सीरीज चाहिए, ना कुछ करना है, बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑप्शनल से लेके सब कुछ आपका कवर है। वरना आप कोचिंग जाते हो, आपको ऑप्शनल अलग पढ़ना है, वो अलग पढ़ना है, ये अलग पढ़ना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, ये सब आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, वो है अन अकेडमी का हमारा ये प्लेटफॉर्म। गो फॉर इट, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड यूज दिस कोड MPS, देखो नीचे चल रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होती है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8377084401। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कोई डाउट है आपका वो भी पूछ सकते हैं, प्लस आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। एंड आई विल बी देयर कि आपको बताऊंगा कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सर वर्किंग प्रोफेशनल हूँ मैं, सर बहुत लो फील होता है, क्या मुझसे तैयारी हो पाएगी या नहीं? लाइफ इज़ ऑसम अन अकेडमी पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्पेशल एक बैच चलता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके, जिसके टाइमिंग हम इस तरीके से रखते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही वो सूटेबल रहे। तो आप भी उस चीज़ को यूज़ करिए एंड गो फॉर अन अकेडमी। यार देखो, जो पैसा कमा रहे हो तुम, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैं कह रहा हूँ पैसा कमा रहे हो, कुछ सेविंग करो, कुछ पैसा बचाओ एंड लो सब्सक्रिप्शन एंड IAS निकालो, IPS निकालो, जो भी एग्जाम आपको निकालना है वो निकालो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अन अकेडमी पे EMI भी ऑप्शन है आपके पास, भाई एक साथ इतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके चुका देना तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। राहुल सिंह इज सेइंग इंस्पिरेशनल, थैंक यू सो मच यार। ह्यूमन रिसोर्स, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC? यस मसूद हसन, या IPS सैफीन हसन, बंटी सिंह ने नाम लिया, मैंने उन्हीं का इंटरव्यू आपको कोट किया है एंड एग्जैक्टली ये उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे एंड आई टुक मनी फ्रॉम बिजनेसमैन एंड आई वेंट देयर एंड स्टडीड, और उन्होंने क्रैक किया। और जिस कोचिंग का उन्होंने नाम लिया था ना, उसके आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज जो वहाँ के ना, वो आपको अन अकेडमी पे ही पढ़ा रहे हैं। अन अकेडमी आप समझ रहे हो ना, ऑफलाइन सारी बंद है एंड सारे बेस्ट टीचर्स आज की डेट में अन अकेडमी पे आ चुके हैं। मृणाल जो हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स थे इकोनॉमिक्स के, हैं इंडिया के बेस्ट टीचर इकोनॉमिक्स के, लोग गुजरात जाते थे उनसे पढ़ने, उन्होंने अन अकेडमी को ज्वाइन कर रखा है, वो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। रोमन सैनी हिमसेल्फ, हु क्लियर
16 साल की उम्र में नीट क्लियर करके एम्स बन गए भैया, एम्स क्लियर कर दिया, डॉक्टर बन गए, देन ही क्रैक्ड आईएएस 18 रैंक के भैया, खुद आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ना जाने कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई, और सब आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। देर किस बात की, टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, ये आपके सामने चीजें हैं, ये आपके सामने कोड है MPS, कोई दिक्कत आती है ये नंबर है भाई आपका, हूं मैं, जब चाहो तब बात करो, कोई डाउट है परीक्षा से रिलेटेड तो भी पूछो, कोई सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट है तो भी पूछो, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल अकाउंट आप मुझे 10 बजे के बाद कॉल करना, जो 10 बजे तक तो अपनी क्लास रहेगी, मैं आपको बताऊंगा। एंड जो 12th में है, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, वो 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, और अनअकैडमी के साथ आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड होता है, शेड्यूल भी प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लाइन में ला सकते हैं, ठीक है। नितिश आर्यन इज सेइंग आई एम एग्री विथ योर स्टेटमेंट सर, तो थैंक यू नितिश। एक देखो बहुत छोटी सी बात है, मंजिलें मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलना मतलब घर से बाहर भाग के दौड़ना नहीं है, घर से निकलने का मतलब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, पढ़ाई करो और अनअकैडमी पे आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब चलो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है यार, यूट्यूब भी अनअकैडमी का आपकी मदद कर रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट ठीक है, अगर पैसा है और आप मैनेज कर सकते हो, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपका आईएएस और आपके बीच की जर्नी के बीच में ब्रिज बनेगा, और इस ब्रिज के नीचे आपके पकड़ के ब्रिज को कौन खड़े, इंडिया के बेस्ट टीचर्स खड़े हैं, तो आपके ऊपर है, गो फॉर इट, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, ठीक है। अब चलो वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर, सूर्यप्रकाश कमेटी भैया अभी हम पढ़ ही रहे थे, तो इसी को देखते हैं, ठीक है। तो सूर्यप्रकाश कमेटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, लोकसभा टीवी 2006 में बना था, राज्यसभा टीवी 2011 में बना था, और दोनों को मर्ज कर रहे हैं, इस कमेटी की चेयरमैनशिप दी है सूर्यप्रकाश साहब को, जो कि खुद चेयरमैन है किस चीज़ के, वो चेयरमैन है आपके विविध भारती के, ठीक है। चलो बढ़ें आगे, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विविध भारती के नहीं है, प्रसार भारती के, सॉरी, ठीक है, सूर्य प्रकाश साहब किसके चेयरमैन है, प्रसार भारती के, बोलने बोलने में फ्लो में निकल गया, ठीक है। 2019 में ये कमेटी आपकी बनी थी, और बाकी चीजें मैंने आपको इसमें बता दिया है। चलिए इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो आपकी बात करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के बारे में। क्या आर्टिकल है ये, डेमोक्रेसी इंडेक्स, हम बात कर रहे हैं किसकी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, ये न्यूज में था दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, किसने इसको रिलीज किया है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने, किसने रिलीज किया है गाइस, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, डेमोक्रेसिक इंडेक्स 2019 को EIU ने रिलीज किया है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को और 2 टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, किस किस को, 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इसके अंदर इंक्लूड करके ये इंडेक्स निकाला गया है। नाम से समझ सकते हो कि किस कंट्री में डेमोक्रेसी की हालत किस तरीके की है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने दिया है। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है, टॉप किसने किया है दोस्तों, नॉर्वे ने, ठीक है। और चाइना जो है, ठीक है, मतलब लास्ट कौन आया होगा, ऑफ कोर्स बता दो, नॉर्वे ने टॉप किया है तो लास्ट कौन आया होगा, नॉर्थ कोरिया, वर्ल्ड की ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक विचित्र कंट्री है ना, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिल सकती है, पता ही होगा, तो ज़्यादा इस बारे में बात करने का क्या मतलब है। इंडिया ने अपनी 10 रैंक गिरा दी है, इंडिया को 10 नंबर की गिरावट देखने को मिली है, इंडिया जो है इस बार 51 आई है, कितनी आई है, 51 पोजीशन पे, लास्ट ईयर हम कितने पे थे, 41। तो भैया भारत को जो है 10 आंकड़ों का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर, हमारी 51st प्लेस है जो कि कभी 41 थी, तो ये बहुत बुरी बात है। टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने किया, लास्ट कौन आया, नॉर्थ कोरिया आया है, चाइना की भी हालत बुरी ही है,
चाइना 153rd आया है। चाइना में भी डेमोक्रेसी तो कहने की है ना, पता ही है हमको ये सब क्या करना है इसमें। ठीक है गाइस, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, है ना।
पबजी खेलने लग गए तुम लोग। हाँ, 2 मिनट के अंदर। चलो भाई शुरू करते हैं आगे। आवाज़ आवाज़ क्लियर है ना सारी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप नहीं हो। देन वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो गाइस अगला आर्टिकल जो है हमारा वो यहाँ पे है रिगार्डिंग एंडिंग इनएक्शन ऑफ स्पीकर। ठीक है, क्या है अगला आर्टिकल हमारा? एंडिंग इनएक्शन ऑफ स्पीकर। राइटिंग थोड़ी बेकार है यार, काम चला लेना है ना। एंडिंग इन एक्शन ऑफ स्पीकर, मामला क्या था? कुछ दिन पहले देखो न्यूज़ में आपने सुना होगा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डायरेक्शन ऑन स्पीकर्स एट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। मामला क्या था? देखो आपने देखा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो है ना, जो स्पीकर्स होते थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो वर्क नहीं करते थे, उनको एक्शन नहीं लेते थे। देखो होता क्या है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जैसे किसी, मान लो किसी स्टेट में लगता है एक्स, मान लो ठीक है कोई एक स्टेट है एक्स, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई वाई नाम का बंदा है जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना था और इसको फिर हटाना था पार्लियामेंट से, सस्पेंड करना था, मान लिया ठीक है। तो अभी मामला ही क्या हो जाता है कि देखो जो ये वाई था ना, बाय द वे ये उसी पॉलिटिकल पार्टी का है जिसका एक्स था और एक्स अभी स्पीकर बना हुआ है। तो क्या एक्स का देखो काम है नॉन बायस तरीके से रह के काम करना, बट क्या आपको लगता है कि एक्स जो है वो नॉन बायस होके काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी में पहले ही से ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की वजह से आज एक्स यहाँ पे आके पहुँचा है। तो ये बायस जो है, ये बायसनेस जो है, ये हमेशा दिखती थी, जिसी के चलते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ के अंदर को डायरेक्शंस दिए थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज़ कही थी कि फिक्स द लिमिट ऑफ 3 मंथ्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक लिमिट फिक्स करी 3 मंथ्स की। ठीक है, क्या लिमिट? 3 मंथ की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करी कि आप एज ए स्पीकर आपको वर्क करना होगा डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे के ऊपर। देखो क्या होता है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो कोई भी जो एमएलए है उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता था, तो स्पीकर जो है ना उस पर एक्शन नहीं लेते थे। तो अभी यहाँ पे 3 मंथ का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया अगर आपके पास कोई ऐसा मामला आता है तो आपको 3 मंथ के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है पार्लियामेंट से कि इस पर सोचा जाए कि एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाई जाए। क्या बनाई जाए? परमानेंट ट्रिब्यूनल। ये क्यों बनाई जाए दोस्तों? परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाई जाए कि जब भी फ्यूचर में डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे आए ना, तो स्पीकर को एक्ट ना करना हो, ये परमानेंट ट्रिब्यूनल जो है ये डिसाइड करे कि भैया जो ये बंदा है ये डिस्क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पे इसको परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी किसने? सुप्रीम कोर्ट के सजेशंस के अंदर एक ये 3 मंथ की चीज आई। ठीक है, पार्लियामेंट इज डायरेक्टेड टू रिप्लेस द स्पीकर विद अ परमानेंट ट्रिब्यूनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म टू रेंडर क्विक एंड इम्पार्शियल डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? वेरी गुड। बेंच एंड पावर्स, ठीक है ठीक है, मतलब और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, है ना? स्पीकर फील्ड ऑफ सजेशन। आपको पता है स्पीकर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो न्यूज़ में था अभी, अभी कुछ दिन पहले भी, अभी अभी करंट अफेयर्स में भी चल रहा था। इस केस का नाम क्या है पता है? की होटो होलोहान जजमेंट। क्या है? की होटो होलोहान जजमेंट। ये ना स्पीकर के केस में एक वन ऑफ द बिगेस्ट केस, लैंडमार्क केस है जो आपको याद होना चाहिए, इसकी रूलिंग्स आपको याद होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ना देखो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना 10th शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10th शेड्यूल पता है आपको क्या है दोस्तों? पता ही नहीं, पता जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 10th शेड्यूल पता ही नहीं? पता है
टेंथ शेड्यूल आपका डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, और इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहली चीज क्या हुई थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ या टेंथ शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी कहा था कि जो आपका स्पीकर है इसका कोई भी ऑर्डर जो है वो जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है। जुडिशियल रिव्यू समझ गए ना, अभी हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था थोड़ी देर पहले क्यूरेटिव पिटीशन के टाइम पे, कि जो स्पीकर है अगर वो कुछ अपसर्ड ऑर्डर दे, ऐसा कुछ ऑर्डर दे जो लगता है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट या फिर किसी भी लॉ का वॉयलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन इसका भी एक मामला है, इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ना तभी इंटरफेयर कर सकती है, अभी देखो राजस्थान में ये चीज़ सामने आई थी कि स्पीकर के डिसीजन के पहले ही सचिन पायलट जो हैं वो कोर्ट चले गए थे, तो कोर्ट ने यहाँ पे इसी केस को कोर्ट करते हुए कहा था कि पहले स्पीकर को फैसला देने दो, उसी के बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योटो होलोन जजमेंट में क्या बात सामने आई थी कि जब तक आपका स्पीकर जो है वो डिसीजन ना दे दे, जब तक आपका स्पीकर कोई डिसीजन ना दे दे तब तक आप कोर्ट में उसका अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे सचिन पायलट ने बस एक अनुमान लगाया कि स्पीकर जो है वो कांग्रेस का है तो वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर ही देंगे, तो उसके चलते वो चले गए भैया कोर्ट। तो ये क्योटो होलोन जजमेंट में बात कही गई थी कि जब तक स्पीकर अपना डिसीजन ना दे दे उसके बाद ही आप, उससे पहले आप नहीं जा सकते हो केस लेके कोर्ट में, आप उसके बाद ही जा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें थी। 1992 का ये केस है क्योटो होलोन। ठीक है, क्लियर है, आया राम गया राम। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है, आया राम गया राम। देखो एक हरियाणा के एमएलए के ऊपर ये बना था, उन्होंने पार्टियाँ बहुत स्विच करी थी तो उसी से ही आया राम गया राम भी कोर्ट बना था। ठीक है, ठीक है, अभी देखो आपने करंट अफेयर जो डेली न्यूज़पेपर का पढ़ रहे होगे या फिर जहीं कहीं किसी की मदद से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे होगे अन अकेडमी पे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने ये पढ़ा होगा, ये जो सचिन पायलट वाला जो केस था ना इसके चलते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से न्यूज़ में आया था, और उसमें ये क्योटो होलोन जजमेंट काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो क्योटो होलोन जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है स्पीकर के रोल से रिलेटेड, जुडिशियल रिव्यू स्पीकर से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, और आज हमने इसको एक बार और रिपीट कर दिया। ठीक है, बट सचिन पायलट गोज टू कोर्ट अगेंस्ट द नोटिस। यस कुमार राइट, आया राम गया राम, एक दिन में तीन पार्टी चेंज किए थे। चलो बढ़े आगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है आपका वो यहां पे बात करता है, मरीन टाइम एक्ट के बारे में, एंटी मरी टाइम बिल। अगला आर्टिकल जो है गाइस वो किससे डील करता है, एंटी मरी टाइम बिल, ये है आपका अगला आर्टिकल जो यहां पे डील करता है। ये कहता क्या है, एंटी मरी टाइम बिल। ठीक है, ये बिल से नाम से कुछ समझ में आ रहा है, ये बिल किस चीज के लिए दोस्तों, एंटी मैरीटाइम बिल नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या है मामला, कुछ पता है? देखो पायरेट्स जानते हो, पायरेट्स नदी में जो समुद्र में जो शिप्स आती है ना, तो पायरेट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे चोरी चपेट करते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए बिल लाया गया है कि ये जो चोरी चपाटियाँ हैं ये रुक जाएं। ठीक है, जो पायरेट जो चोरी वोरी करते हैं ये रुकें, और इसी के चलते हुए बिल आया, इसका नाम क्या, एंटी मैरीटाइम बिल। ये जो बिल है ना वो UNCLOS के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब यहीं से सोर्स है ये UNCLOS, इसी से सोर्स लेके इस बिल को बनाया गया है। UNCLOS का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, दिस इज क्या, UNCLOS। ठीक है, एंटी मैरीटाइम बिल जो है वो UNCLOS के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। UNCLOS क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अभी ये न्यूज में क्यों था, जो कि एंटी मैरीटाइम बिल जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, इस पर्टिकुलर बिल का जो सेक्शन 3 है वो यहाँ पे इम्प्रीजमेंट एंड डेथ पेनल्टी तक की बात करता है। सजा में क्या बताता है, इम्प्रीजमेंट भी बताता है एंड डेथ पेनल्टी भी बताता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बिल के बारे में जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लस इस बिल की और कुछ खासियतें जो भी हमें देखनी है, इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये तो मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन थोड़ा समझ लो भैया, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जो समुद्र है इधर बहुत सारे सामान जो हैं सब वहीं से ट्रेड होते हैं, एंड चोरी चपेटी जो है वहाँ पे दिन बढ़ती जा रही हैं,
तो एक खतरनाक लॉ होना चाहिए जिससे कि लोगों को चोरी करने से डर लगे समुद्र में से जो भी चीज़ें आ रही हैं, और इसके चलते हुए इस बिल को लाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव सामने आया था। ठीक है, एक रीज़न और है कि ये जो बिल आया है एक्चुअली क्या है ना, इंडियन ओशन रीजन में 2008 से, गाइस कब से, 2008 से पायरेसी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पायरेसी मतलब वही चोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि देखो गल्फ ऑफ एडन, अभी मैंने मैप यहाँ पे यूज़ नहीं किया वरना मैं आपको दिखाता यार मैप से। गल्फ ऑफ एडन अगर आपने मैप में देखा होगा, वरना एक काम करो तुरंत अपने फ़ोन में गूगल कर लो गल्फ ऑफ एडन, ये एडन जो है ये किधर है। तो सोमालिया से जो बहुत ज़्यादा जो आपके पायरेट्स होते हैं ना वो गल्फ ऑफ एडन में काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ करते थे, जिसके चलते हुए अभी जो इनके आसपास की कंट्रीज़ हैं जो यहाँ से ट्रेड करती थी उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ा दी हैं, जिसके चलते हुए अभी जो पायरेट्स हैं ना ये मुड़ गए किधर, इंडियन ओशन के साइड में। तो अब यहाँ भी ज़रूरत है इस टाइप की सिक्योरिटी की, जो जो पायरेसी के मामले हैं वो कम हो, और इसीलिए इंडिया ने भी एक ख़तरनाक ये बिल सामने लाया जिसका सेक्शन 3 ए भी कहता है कि भैया डेथ पेनल्टी भी दे सकते हो, इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हो। UNCLO इसके प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई परेशानी है तो बुरी बात है। रेड सी के पास सर ये करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के हैं, तो मैं अभी 6 मंथ के चल रहे हैं, स्टार्टिंग के 6 आवर्स में एंड लास्ट के 4 आवर्स में हम जून 2019 से दिसंबर तक के कवर करेंगे। ठीक है सर, प्लीज़ शेयर योर PPT और PDF ऑफ करंट अफेयर्स इफ़ यू हैव एनी। तो याशु कुमार, आई विल शेयर दिस PPT ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के लिंक है @LETSSTUD लास्ट में YYY, ठीक है, लेट स्टडी लास्ट में YYY। तो इस तरीके से आप इसको PDF को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। और अगला आर्टिकल जो है हमारा यहाँ पे वो डील करता है, ठीक है एक सेकेंड गाइस, बस ठीक है चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन का जवाब दो तब तक आप लोग। मैंने वैसे पहले ही पूछ रखा है पर अभी मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, भारत का नेशनल गेम कौन सा है? फिर से ऐसे एक बार पूछ रहा हूँ, मैंने पहले ही पूछ रखा है, इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? जल्दी बताइए। गाइस इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? तो आप लोग अभी हॉकी बोल रहे होंगे सभी लोग, है ना? तो आप लोगों को बता देता हूँ, इंडिया डू नॉट हैव एनी नेशनल गेम, ये आप लोगों का एक मिथ था जो आप लोग मान के बैठे हुए थे इतने समय से। भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है और ये फैक्ट है, बट हम लोगों को बहुत समय से पता नहीं था तो ये ठीक है। अब अनन ने तो पुरानी क्लास कर रखी है तो भाई आपको पता है इसलिए आप बता दिए हो, तो बाकियों को तो अभी आई थिंक नहीं पता है, पर जिनको पता था आज, जिनको पता नहीं था आज पता पड़ गया होगा। ठीक है चलो, अगला आर्टिकल जो है वो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन, ऑन एंटीसिपेटरी बिल। अगला आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है पता है आपको? पहले देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर मैं आपको इसको बताऊंगा जो क्या मामला था यहाँ पे। देखो एक लड़का है, इसका नाम क्या है, एक्स, ठीक है। इस लड़के को ये बात पता है कि इसका एक दुश्मन है जिसका नाम है वाई। वो कल मतलब आज मान लो आज कौन सा वार है यार, आज है थर्सडे, ठीक है। तो इस एक्स को पता है कि ये जो वाई है ना ये फ्राइडे को इसके एक्स के अगेंस्ट में एक FIR कराएगा और जिसके बाद वो नॉन नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, और ये वाई जो है FIR के बाद पुलिस जो है एक्स को आएगी क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। ये सब प्रिज्यूम कर रहा है एक्स कि ऐसा कल होगा। तो एक्स क्या करेगा, एक्स कोर्ट जाएगा और कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल इशू करा लेगा। क्या इशू करा लेगा, एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बिल को देखो अगर शॉर्ट में देखो तो क्या है, एंटिसिपेट, एंटिसिपेट करना मतलब प्रिवेंट
एक चीज को अनुमान लगाना कि हमें कल को पुलिस अरेस्ट करने आ सकती है, और अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने आ सकती है तो हम उस समय एंटिसिपेटरी बेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो एंटिसिपेटरी बेल का मतलब आपके पास वो बेल रहेगी, जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी आप उनको दिखा देंगे और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पे ये पूरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर, और एंटिसिपेटरी बेल क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आएंगे मामले के ऊपर कि क्या है मामला। मामला क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला बहुत समय से आ रहा था कि क्या कोई फिक्स पीरियड होना चाहिए क्या, जैसे एक्स ने वाई में कि जो एक दिन की बात थी कि अगले दिन भैया ये वाई जो है उस पर FIR कराएगा और जिसके बाद जेल हो सकती है, मान लो कि एक महीने बाद ऐसा हो तो, या फिर 2 महीने बाद ऐसा हो, या 3 महीने बाद ऐसा हो, तब क्या कोर्ट एंटिसिपेटरी बिल इशू कर सकती है 3 मंथ आगे की, 4 मंथ आगे की, 5 मंथ आगे की। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी अपना डिसीजन दिया है और बोला है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट प्रोटेक्शन ऑफ एंटिसिपेटरी और प्री अरेस्ट बेल कैन नॉट बी लिमिटेड टू एनी टाइम फ्रेम और फिक्स पीरियड। मतलब भैया आप जरूरत के अनुसार जिस भी समय जितने समय पहले का आपको चाहिए आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भैया 30 दिन का ही होगा, 30 दिन में अरेस्ट हो सकता है तभी लो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जरूरत पड़ने पे जितना भी समय उस हिसाब से ऐसा एंटिसिपेटरी बेल इशू करा सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है, ठीक है। एक बात बताओ, एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट हमारे CRPC में है, CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किस सेक्शन में, तो सेक्शन 438, ध्यान रखना कौन सा है, सेक्शन 438। CRPC कब का एक्ट है, 1898 का है, चलिए क्लियर हो गया। चलें बढ़े आगे, कहां कहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो, कहां कहां पे कर सकते हो, कोर्ट ऑफ सेशन में कर सकते हो और आप हाई कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। और किसी को डाउट कुछ, चलिए वेरी गुड, ठीक है सर। उड़ीसा गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई है, सलमान खान से पहले एंटिसिपेटरी बेल के बैठा रहता है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले आपके पी चिदम्बरम साहब ने एंटिसिपेटरी बेल मांगी थी लेकिन उनको इशू नहीं हुई थी, जब उन पर जाँच चल रही थी, BJP गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जाँच लगा रखी थी, तो एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट तब भी न्यूज़ में आया था। एंड ऐसे समय समय पर चीज़ें जो हैं ये न्यूज़ में आती रहती हैं, तो आपको बस अपडेट रहना है। हमें देखो एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको पूरी दुनिया भर की सब कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ो, जब कुछ ऐसी चीज़ दिखे तो उसको फिर कनेक्ट करो कि आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ था। देखो UPSC है ना, एक जर्नी है और जर्नी 1.5-2 साल की है, तो करंट अफेयर को 1.5-2 साल का एक साथ तो मतलब दिमाग में रखना मुश्किल है ना। तो क्या करूँ कि जैसे इससे पहले आपने करंट अफेयर में एंटिसिपेटरी बिल के बारे में क्या क्या पढ़ रखा है एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लो, कुछ भूल गए हो तो एक बार कॉपी पलट के देख लो और फिर आगे बढ़ो, जिससे कि आपको चीज़ें जो है ना वो याद रहें कि भैया क्यूरेटिव पिटीशन आपने कब कब पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, और दूसरी चीज़ों के बारे में भी यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है इनकी नॉलेज रख सकते हो और रिवीजन में आपको इससे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर दोस्तों। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो यहाँ पे बात करता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019। क्या बात करता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, अगला आर्टिकल जो आपका है वो इससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं भैया क्यों न्यूज में था, क्या था मामला, किसके चलते हुए इस पर्टिकुलर बिल को न्यूज में लाया गया। तो देखो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल को अप्रूव किया था, जिसके चलते हुए बिल न्यूज़ में आया था। तो अब आपको इस बिल के बारे में पढ़ना है कि ये बिल है क्या, क्यों ये न्यूज़ में था और क्या क्या चीज़ें इसमें विशेषताएं थी, ठीक है।
तो देखो ये कमीशन बनाने की बात करता है जिसका नाम क्या है, NCIM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये कमीशन की बात करता है। तो इस कमीशन में देखो कितने मेंबर्स होंगे, 29 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे? 29 मेंबर्स होंगे। इनका टेन्योर कितने समय का होगा? 4 ईयर्स का होगा गाइस। कितने का? 4 ईयर्स, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन जो आपका मेडिसिन होगा, इसमें 29 मेंबर्स होंगे और इनका टेन्योर कितने साल का होगा? 4 ईयर्स होगा। क्लियर है? कोई समस्या इस बात से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भैया ठीक है ना, प्रमोट इक्विटी बाय इंश्योरिंग एन एडुकेटिव सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स। भैया देखो, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर हैं या फिर जो नर्सेज हैं या फिर इस टाइप के जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये लोग क्वालिटी वाले नहीं जाएंगे तो फिर लोगों का इलाज कैसे होगा? जो मेडिकल हमारी देश में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये इसका काम है NCIM का, ये इंश्योर करना कि भैया जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के, एडिक्वेट क्वालिटी के जाएँ, ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला आर्टिकल जो है ना वो ग्राम न्यायालय से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्राम न्यायालय, ये भी सुना होगा आपने, ग्राम न्यायालय। इसको मोबाइल कोर्ट भी बोला जाता था न्यूज में, मोबाइल कोर्ट से भी काफी पॉपुलर हुआ था ये। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मोबाइल कोर्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? थोड़ा सा ग्राम न्यायालय के बारे में मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो। क्या है ग्राम न्यायालय दोस्तों, जल्दी बताओ कमेंट में। ग्राम न्यायालय के बारे में क्या पढ़ा था, कुछ सुना था? क्या होते हैं ग्राम न्यायालय? भैया जवाब दो, ग्राम न्यायालय के बारे में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों के चैट शो नहीं कर रहे, मुझे भी आया तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। एक भी दोस्त मेरा जवाब नहीं दे रहा है। ग्राम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं पता आपको? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ दिन पहले न्यूज में था। चलो ठीक है, नहीं बता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भैया स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि जो आपने ग्राम न्यायालय बनाने की बात करी थी उसको बना लो, और ये आपकी जनवरी नहीं फरवरी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक्स दिए थे स्टेट्स को कि भैया आपने ग्राम न्यायालय बनाओ, एस्टेब्लिश करो। ग्राम न्यायालय जो है वो किस एक्ट से गवर्न होते हैं? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। किस एक्ट से गवर्न होते हैं? ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008, ठीक है। इससे आपके क्या गवर्न होते हैं गाइस? आपके ग्राम न्यायालय, ठीक है। ग्राम न्यायालय क्या है? इनको मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं। और क्या फंक्शन है इसका? तो स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे ये? स्पीडी एंड, आप लोग साथ भी नोट्स बना सकते हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करेंगे क्या ग्राम न्यायालय? किस एक्ट से गवर्न हो रहे हैं? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के ऊपर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट वाला ग्राम न्यायालय के ऊपर कुछ समय पहले। अब कंपोजिशन देख लो भैया, तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा? इसको न्यायाधिकारी प्रिसाइड करेंगे। कौन प्रिसाइड करेंगे? न्यायाधिकारी। ग्राम न्यायालय को हेड कौन करेगा? न्यायाधिकारी। ठीक है, न्यायाधिकारी इसको क्या करेंगे गाइस? प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। ये कौन होंगे भैया? ये जुडिशियल ऑफिसर होंगे जो रिटायर हो चुके होंगे या फिर अभी जुडिशियल ऑफिसर हो चुके, मतलब कौन होगा ये? देखो न्यायाधिकारी आपके या तो रिटायर्ड जजेस होंगे या फिर जुडिशियल ऑफिसर होंगे, ठीक है। इनकी जो सैलरी होगी वो सेम होगी, पावर होगी वो सेम होगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर न्यायाधिकारी की जो पावर एंड सैलरी होगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यायाधिकारी को अपॉइंट कौन करेगा? तो न्यायाधिकारी को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। कंसल्ट करेगी किससे? हाई कोर्ट से, ठीक है। क्या क्या देखा हमने इसमें, अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। सर ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ, नो आइडिया वी हैव, नहीं पता। जस्टिस रूरल लेवल वॉज रिटायर्ड जज, स्पीडी एंड ईजी जस्टिस, पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल प्रतिमा।
दे आर देयर फॉर रिजॉल्विंग सिविल केसेस सो दैट लोड ऑन हायर कोर्ट्स डिक्रीजेस. बिल्कुल कपिल, अनन यू आर ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, देखो मैंने आपको बता दिया है पूरा इसका मामला, अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं. ग्राम न्यायालय जो हैं, ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से गवर्न होते हैं. ग्राम न्यायालय की कंपोजिशन क्या होती है, न्यायाधिकारी इसमें हेड होते हैं, प्रिसाइड करते हैं. न्यायाधिकारी कौन होता है भाई, ये जुडिशल ऑफिसर होता है, जो इक्वल होगी उसकी पावर एंड सैलरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर. ठीक है, काम क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस देने का. और कौन इनको अपॉइंट करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायाधिकारी इसको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट वाइज बन रही है. और स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी. ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं. ठीक है, इस पर देखो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब देना आप लोग. ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था किसी टेस्ट सीरीज के अंदर. पावर एक बार देख लो भैया इनकी, पहले पावर आवर देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना. तो भैया इनके पास बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट की पावर होगी. पावर क्या है इनके पास, बोथ है क्रिमिनल और सिविल कोर्ट, दोनों की पावर है. ठीक है, इसके अलावा ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा 1872, इसको फॉलो करना इनके लिए जरूरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि देखो ये सेटलमेंट करा रहे हैं. ग्राम न्यायालय का मेन पर्पस क्या है, सेटलमेंट कराना. तो अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट की बात तो नहीं मान पाएंगे ना भैया, सेटलमेंट कराना मतलब सेटलमेंट कराना. तो फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बातों को मानना इनके लिए जरूरी नहीं है. बट जो प्रिंसिपल है एविडेंस एक्ट का, वो मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है एविडेंस एक्ट का, वो इनको अपनाना है और इस तरीके से इनको आगे काम करना है. ठीक है, इनका पावर क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ सिविल केसेस देख सकते हैं तो बिल्कुल, सिर्फ क्रिमिनल केसेस दे सकते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही केसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो अगर आप इनके डिसीजन से खुश नहीं हो तो क्या अपील का ऑप्शन होता है, क्या आप अपील कर सकते हो, तो भैया हाँ बिल्कुल आप अपील भी कर सकते हो, अपील का भी प्रावधान है. तो अपील देखो क्रिमिनल केसेस की सिविल केसेस की अलग अलग होती है, क्रिमिनल केसेस की अलग अपील होती हैं, सिविल केसेस की अलग अपील होती हैं. क्या अंतर है, क्रिमिनल केसेस में अगर आपको अपील करना है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में करोगे, कहाँ करोगे, कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, एंड सिविल केस में अगर आपको अपील करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे. मान लो कि भैया न्याय न्याय जो ग्राम न्यायालय जिन्होंने कोई डिसीजन दिया, अगर वो क्रिमिनल केस था और आपको डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकते हो. अगर वो सिविल केस था और आपको अच्छा नहीं लगा डिसीजन तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक चीज़ें ग्राम न्यायालय के बारे में. एक बार जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने पढ़ा ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय जो है वो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से गवर्न होता है. मोबाइल कोर्ट की तरह ये वर्क करता है, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस इसका ऑब्जेक्टिव है, लोगों के बीच में सेटलमेंट करा के केसेस को सॉल्व करता है, क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, दोनों ही टाइप की जुरिडिक्शन इसके पास है. इसको प्रिसाइड कौन करता है, न्यायाधिकारी करते हैं. न्यायाधिकारी जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की इक्वल पावर एंड सैलरी रखते हैं. इनको अपॉइंट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, कंसल्ट करती है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे. इसके अलावा पावर जो है वो दोनों ही है, क्रिमिनल सिविल कोर्ट वाली दोनों ही बता दी मैंने आपको. इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है उसको एज इट इज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसका जो प्रिंसिपल है जिस तरीके से वो वर्क करता है वो यहाँ पे मानना जरूरी है. क्रिमिनल केसेस में आप अपील कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन में अगर आपको इनका डिसीजन अच्छा नहीं लगता है, और सिविल केसेस में आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर. क्लियर है, कोई दिक्कत. अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि एक्ट के अनुसार ग्राम न्यायालय सिर्फ सिविल केसेस देख सकते हैं. क्या ये स्टेटमेंट सही है, कोई पूछ रहा है ग्राम न्यायालय अपॉइंट किसके लिए होंगे, तो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ सुन लेना. ग्राम न्यायालय शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल पे एवरी पंचायत और ए ग्रुप ऑफ कंटिजियस पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल. अगर छोटे छोटे पंचायत हैं तो भैया सबको मिला के एक बन सकता है, वरना अगर ठीक ठाक हैं तो हर पंचायत में एक बन सकता है.
ठीक है, इन अ डिस्ट्रिक्ट और वेयर देर इज नो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन एनी स्टेट फॉर अ ग्रुप ऑफ कंटिजियस पंचायत। ठीक है, मतलब भैया कहने का मतलब है कि हर पंचायत के लिए होना चाहिए, किसी किसी एक्सेप्शन केसेस पे ग्रुप ऑफ पंचायत को मिला के भी आपका ग्राम पंचायत को, ग्राम न्यायालय को जो है एस्टेब्लिश किया जा सकता है। स्टेटमेंट को यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फॉल्स बोल दिया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके पास सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों ही कोर्ट की पावर होती है, दोनों ही केसेस को ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसी पर आते हैं हम, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, इस स्टेटमेंट को बताना। दिस एक्ट अलाउज सोशल एक्टिविटीज एज अ मीडिएटर और रिकंसिलेटर्स, मतलब ये जो एक्ट है ये सोशल जो एक्टिविटीज हैं उनको मीडिएट करने के लिए अलाउ करता है। ये मैंने आपको वैसे पढ़ाया नहीं है, पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इस एक्ट में जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको ये कहा जाता है कि भैया आप मीडिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो। जो दो पार्टी हैं मान लो एक्स एंड वाई, इनके बीच में मीडिएट करो, इनको कन्विंस करो, इनको एक मतलब इनको एक फाइनल सॉल्यूशन पे लेके आओ, एंड फिर अपना मामला यहाँ पे कोर्ट में ये जो आपकी ग्राम न्यायालय होती है डिसीजन दे देती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नोट्स में अपने इस चीज को मेंशन कर लेना कि जो सोशल एक्टिविटीज होते हैं उनको इंटरमीडिएट करने के लिए ये एक्ट जो है वो अलाउ करता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है ना वो है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी पढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों का? चलिए ठीक है, अगला आर्टिकल जो है वो है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट जो है हमारी, उन्होंने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल को अप्रूव कर दिया है कि भैया ये जो बिल है ये सही है, इसको आगे बढ़ाओ। तो ये पार्लियामेंट में आ गया होगा आपका, तो इसीलिए इसको न्यूज़ में लिया आया गया है। तो न्यूज़ में लिया आया गया है तब आपको, हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं भैया। तो ये जो बिल है, द बिल इम्पावर्स फार्मर्स टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स डेटा और ओपन साइज डिजिटल फॉर्मेट इन ऑल लैंग्वेज। ठीक है, मान लो क्या है ये बिल जो है ना, पहली चीज क्या करता है कि कोई ब्रांड है, मान लो कोई PY नाम की पेस्टिसाइड है, तो ये जो बिल है ना ये इस कंपनी को कहता है कि भैया जो तुम्हारा PY है ना, इसके बारे में तुम ओपनली सबको बताओ, तुम अपने वेबसाइट पे इसके बारे में सब कुछ लिखो कि क्या है ये, इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या, और हर लैंग्वेज में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाओ, जो आपके ग्राहक हैं उन तक पहुंचाओ, अदरवाइज आपको यहाँ पे सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये कंपनियों को इंश्योर करने को कहा है कि भैया जो आप पेस्टिसाइड बेचते हो इसके बारे में फार्मर्स को, आपके कंज्यूमर्स को जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ये है आपका क्या, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020। बात समझ में आया? ये बिल जो है, दिस बिल इम्पावर्स फार्मर्स टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द रिस्क एंड देयर अल्टरनेटिव इन्वॉल्व एज द डाटा वुड बी मेड अवेलेबल इन ओपन सोर्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट इन ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, बाय द वे किसी का पेस्टिसाइड आपने यूज़ किया और किसी कंपनी का यूज़ किया, उससे कुछ नुकसान हो गया फार्मर का, तो यहाँ पे कंपनसेशन का भी प्रोविजन है। किस चीज़ का प्रोविजन है गाइस? कंपनसेशन का, कि भैया आपको कंपनसेशन देना होगा, कंपनसेट करना होगा अगर लगता है कि कुछ दिक्कत है आपके पेस्टिसाइड से। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज इस बिल के अंदर जो प्रोविजन है वो आया है सामने। ठीक है, क्लियर हुई बातें? ठीक है, तो ये बिल था आपका, इसमें ज्यादा और कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है, उतनी थी बातें। अब हम बढ़ते हैं आगे, भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में? भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में हम देखेंगे। ये भी आपका न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? इस बार 20वीं एनिवर्सरी जो है भीमा कोरेगांव बैटल की मार्क करी गई थी। ठीक है, ये भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या है, आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा, हर साल आप सुनते होगे कि काफ़ी बवाल हो जाता है इस पर्टिकुलर जोन में, भीमा कोरेगांव जो ये आपका एरिया है और भीमा कोरेगांव बैटल क्या है। तो सारी चीज़ अभी हम जानते हैं, सारी चीज़ हम पढ़ते हैं, बट उससे पहले बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस बार भीमा कोरेगांव बैटल की 20वीं एनिवर्सरी थी और इस वजह से ये यहाँ पे आपका न्यूज़ में था। ठीक है, मामला क्या था? जनवरी 1, 2020 1818 के अंदर, जब
जनवरी 1, 2018-2020 के अंदर, यार ये गलत हो गया यार ये, ठीक है 2020 नहीं होगा, ये होगा जनवरी 1, 2018, ठीक है। आपका भीमा कोरेगांव इंसिडेंट कब हुआ था? जनवरी 1, 2018 को, वो गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। हुआ क्या था देखो, ब्रिटिश आर्मी, पहले बेसिक समझ लो फिर हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ब्रिटिशर्स वर्सेस जो है आपके पेशवास के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? ब्रिटिशर्स वर्सेस पेशवास के बीच में 1818 जनवरी 1 में लड़ाई हुई थी। पेशवास जो होते थे उस समय, महाराष्ट्र के ब्राह्मण को पेशवास बोला जाता था, तो ये लोग जो है ना, ये आपके जो लोअर कास्ट होती थी उनको युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कराते थे, कहते थे कि भैया आप युद्ध करने के लायक नहीं हैं और आपका काम युद्ध करना नहीं है, जिसके चलते वो जो लोअर कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील करती थी उस समय की। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी सेना में जो उस एरिया की लोअर कास्ट थी, जो भीमा, जो मतलब बोला जाता है भीमा कोरेगांव, मतलब समझ रहे हो ना, तो जो लोअर कास्ट थी उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी सेना के अंदर, और पेशवाज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई। और पेशवाज और ब्रिटिशर्स के बीच में जो लड़ाई हुई ना, उसमें ब्रिटिश आर्मी जो है वो जीत गई थी। जो दलित सोल्जर्स थे वो आपके ब्रिटिशर्स के पास थे, और ब्रिटिशर्स की जो सेना है वो इस युद्ध को जीत गई थी। और इस युद्ध को फिर एक अलग तरीके से देखा जाने लगा, इस युद्ध को ऐसा देखा जाने लगा कि लोअर कम्युनिटी की जीत है अगेंस्ट द अपर कम्युनिटी, अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ अपर कम्युनिटी। और हर साल 1 जनवरी के दिन इस डे को मार्क किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बट कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं, उनका ऐसा कहना है कि भैया ये जीत जो है वो ब्रिटिशर्स की थी इंडियंस के अगेंस्ट में, तो आप इसको सेलिब्रेट क्यों करते हो। इवन भीम बाबा राव अम्बेडकर जो हमारे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये भी इस पर्टिकुलर जगह पे गए थे। यहाँ पे एक विक्ट्री स्तंभ है, तो उस स्तंभ को देखने के लिए आपके बाबा साहब अम्बेडकर भी गए थे। कब? जनवरी 1, 1927 में, ठीक है। कब? जनवरी 1, 1927। और ठीक है, इसमें बस यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिया है, वही इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, भीमा कोरेगांव बैटल फर्स्ट टाइम हुई थी जनवरी 1, 1818 को। ब्रिटिशर्स वर्सेस पेशवास का ये युद्ध था। ब्रिटिशर्स की सेना में उस समय 70% के आसपास जो हैं वो आपके दलित कम्युनिटी के लोग थे। पेशवास जो होते थे ब्राह्मण्स होते थे महाराष्ट्र में, मतलब उस समय तो ऐसा वहाँ पे होता था कि भैया जो लोअर कम्युनिटीज़ होती थी उनको फाइट में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, उनको युद्ध में इन्वॉल्व नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता था कि आप लोग युद्ध करने के लिए नहीं बने, तो भैया लोअर कम्युनिटी के साथ काफ़ी सप्रेशन होता था। तो ब्रिटिशर्स ने जब इनको हराया तो काइंड ऑफ इसको ऐसा देखा जाने लगा कि जो ये दलित से उन्होंने पेशवास को हरा दिया, जिसके चलते हुए इसको हर बार विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल इसका एनिवर्सरी मनाई जाती है। काफ़ी यहाँ पे बवाल होता है, वो कारण यही है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो चीज़ करी जा रही है गलत करी जा रही है, क्योंकि उस दिन जो जीत हुई थी वो ब्रिटिशर्स की हुई थी अगेंस्ट मराठास, ना कि लोअर कम्युनिटी की अगेंस्ट द अपर कम्युनिटीज़। तो ये जो एक पूरा मामला है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, और इसी के चलते हुए यहाँ पे ये हर साल कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। बट जनवरी 1 को हर बार इसकी एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, और इस बार इसकी जो है वो 202nd एनिवर्सरी थी। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? तो यहाँ पे विकास जी जो है वो वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। तो विकास जी यार वोट मांगने का स्थल तो नहीं है बेटा, ये कहीं और जाइए, वोट मांगिए, ठीक है। कोई डाउट? चलिए चलिए सर, दिस इज मैराथन सीरीज विल बी इनफ फॉर यूपीएससी प्री एग्जाम? यस सौरभ, आई एम ट्राइंग कि ये इनफ हो जाए। चलिए जल्दी बताइए, समझ में आया? क्लियर है ना? भीमा कोरेगांव बैटल क्लियर है? ये देखो यही है वो पिलर जहां पे इसको मार्क किया जाता है, और अंबेडकर साहब भी इस पिलर पे गए थे। कब गए थे? 1927, यही पढ़ा था ना अभी हमने। चलिए बढ़े आगे। फिर देखो बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो है वो न्यूज में था। बीबी का मकबरा भी न्यूज में था, उसका कारण क्या था? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को जो है ना वो साइंटिफिक कंजर्वेशन अपॉइंट किया था बीबी का मकबरा का। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको ताज ऑफ द डेक्कन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताज ऑफ द डेक्कन। अभी न्यूज में क्यों था? बीबी का मकबरा के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक कंजर्वेशन अपॉइंट किया गया था।
और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ध्यान रखना, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ताज ऑफ द डेक्कन भी इसको बोलते हैं। 1668 में रुक जाओ, द स्ट्रक्चर ऑफ ताज ऑफ डेक्कन बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग एलिवेशन ऑफ ताजमहल 1668 में आजम शाह के द्वारा बनाया गया था, जो कि किसके, सन ऑफ औरंगजेब, टू कॉम्पनसेट हिज मदर्स दिलरस बेगम हु वॉज टाइटल्ड राबिया दुरानी पोस्टर दैट। ठीक है, ये जो बीवी का मकबरा है ना, इसमें बीवी कौन है? ये है दिलरस बानू। वैसे दिलरस बानू पढ़ा था मैंने, अरे बेगम लिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ इसमें, वरना इनका नाम है दिलरस बानू। क्या नाम था? दिलरस बानू। ठीक है, इनके ऊपर, इनके लिए बीबी का मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और इनको राबिया दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, इसे टॉम्ब ऑफ द लेडी भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे भैया, इसका साइंटिफिक कंजर्वेशन किसको अपॉइंट किया गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में वर्क करती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। बीबी का मकबरा जो है, इसका साइंटिफिक कंजर्वेशन अपॉइंट किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करती है। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसको टॉम्ब ऑफ द लेडी भी कहा जाता है, ताज ऑफ द डेक्कन भी कहा जाता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा दिलरस बानो जी के बारे में बात करें तो भैया देखिए, ये सैफवोइड रॉयल फैमिली ऑफ ईरान में जन्मी थी, डॉटर थी किसकी, ये शहनाज खान की, और हु वॉज देन वॉइसरॉय ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। औरंगजेब से 1637 में इनका विवाह हुआ था, और फर्स्ट कंजॉर्ट एंड वाइफ बनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके बाद देखो, संगीत कालानिधि अवार्ड न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? कि एस सौम्या जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है, संगीत कालानिधि अवार्ड। ये अवार्ड जो है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मद्रास म्यूजिक एकेडमी। ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक फील्ड के अंदर। कार्नेटिक म्यूजिक फील्ड कहाँ पे बताओ? कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये भारत के किस साइड में ज़्यादा प्रचलित है? तो साउथ इंडिया साइड में। ठीक है, गोल्ड मेडल होता है इस अवार्ड के अंदर, बिरुदु पात्रा होता है, साइटेशन पत्रा, मतलब ऐसे पत्ता टाइप का होगा, उस पर साइटेशन लिखा होगा। ठीक है, गोल्ड मेडल होता है। एस सौम्या जी को संगीति कालानिधि अवार्ड मिला था मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। कार्नेटिक म्यूजिक जो है आपका, वो साउथ साइड में थोड़ा सा फेमस है। मद्रास म्यूजिक एकेडमी के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट रोल प्रमोट करने, मद्रास म्यूजिक एकेडमी जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन जो है मद्रास में 1927 में हुआ था, और उसी समय इसका आइडिया सामने आया था कि एक मद्रास म्यूजिक एकेडमी जो है वो बनाया जाए। ठीक है, संगीत कालानिधि क्या है भैया? तो ये अवार्डेड है, एक किसको दिया जाता है, जिन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में कुछ अच्छा किया उनको दिया जाता है। हाईएस्ट एक्लोड इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, और सिंस 2005 द संगीत कालानिधि ऑल्सो रिसीव्स द एम एस सुब्बर लक्ष्मी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द हिंदू। ठीक है यार, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें, है ना। ये देखो कुछ और अवार्ड्स के बारे में लिखे हुए हैं, तो ये आप जो पीपीटी आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो है लाई हरोबा के बारे में। किसके बारे में किया था विशाल, यार ब्रेक भी किया था बीच में, कैसी बात कर रहे हो? लाई हरोबा क्या है भैया, अब इसके बारे में बात करते हैं। लाई हरोबा जो है वो रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है, मणिपुर मेंटाई कम्युनिटीज के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, लाई हरोबा क्या है? वैसे देखो इन सबको ना एक साथ पढ़ेंगे बाद में, इसमें दो तीन मुझे आपको उनके बारे में बताना है, फेस्टिवल्स के बारे में, तो उनको हम साथ उठाएंगे, अभी अलग अलग करते हैं, ऐसे करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि है 9th शेड्यूल। क्या है 9th शेड्यूल? 9th शेड्यूल गाइज न्यूज में था। 9th शेड्यूल के न्यूज में रहने का कारण क्या था, कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, 9th शेड्यूल न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? 9th शेड्यूल है क्या, जल्दी बताओ यार। देखो 9th शेड्यूल क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो सरकार को जरूरत पड़ती थी लैंड की, जमीन की, तो सरकार जो जमीन को एक्वायर करने जाता था, तो उस टाइम पर लोग कोर्ट चले जाते थे कि भैया वी हैव फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, एंड हमारी प्रॉपर्टी को हम ऐसे जबरदस्ती तो ले नहीं सकता है,
तो हम नहीं देना चाहते हैं। अब भैया सरकार ने पूरा पैसा लगाया ही रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, यहाँ तक बन चुका है, ये ट्रैक जो है किसी किसान की थी, अभी ज़मीन ही नहीं दे रहा है, क्या करे भाई गवर्नमेंट। तब यहाँ पे गवर्नमेंट को एक 9th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट याद आया कि भैया ये बनाते हैं जिसमें भी कोई सा भी लॉ अगर इसके अंदर डाल देंगे तो बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो 9th शेड्यूल का जो मोस्टली यूज़ किया जाता था पहले लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया जाता था, 9th शेड्यूल में अगर कोई सा भी लॉ डल जाए तो ऐसा बोला जाता था पहले गवर्नमेंट के द्वारा कि उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। आज की डेट में 284 आपके ऐसे लॉज हैं जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, ठीक है। और ये कब ऐड हुआ था, तो 1951 में हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, तब आपके 9th शेड्यूल को दोस्तों ऐड किया गया था। कब किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 का, तब इसको आपके इंक्लूड किया गया था 9th शेड्यूल को, ठीक है, ध्यान रखना। तो 284 284 लॉज आज की डेट में ऐसे हैं जो इसमें डले हुए हैं। मेन मतलब क्या होता है कि 9th शेड्यूल में कोई से भी ऐसे लॉज डाल दो तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। मोस्टली इसको लैंड रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था, मैंने आपको बताया है वो चीज़ें, ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखो एक आर्टिकल भी ऐड किया था इसमें, 31B। आर्टिकल 31B क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 31B ये कहता है कि कोई सा भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये कौन कहता है, 31B। तो इसको भी ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के दौरान, ठीक है। मतलब क्या है 31B का, कि भैया अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए एंड वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है तब भी आप कोर्ट में लेके उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। फिर एक केस आया था, काफ़ी फेमस केस है, नाम कुछ सुना है किसी ने, जल्दी बताओ किस केस की मैं बात कर रहा हूँ। इस केस का नाम है IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस के बाद 9th शेड्यूल जो है वो एक अलग तरीके से देखा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 31B जो है ना, ये तो चलो वैलिड है, इसकी वैलिडिटी को हम कुछ नहीं कहते हैं, कि भैया ठीक है आप कोई सा भी लॉ जो है 9th शेड्यूल में डालो और उसको अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिलेगी कोर्ट में चैलेंज करे जाने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोला कि ये जो मामला है ना, ये 9th शेड्यूल में आप कोई सा भी लॉ डाल दो, ये जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर होगा, ये बात गलत है और ये जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया 9th शेड्यूल में कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भैया फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। जैसे कि मान लो 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए एक लॉ बना के कि हिंदी जो है भारत की मातृभाषा है एंड हिंदी को मात्र नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इंटरफेयर करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भैया हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप की कोई बात ही नहीं करता है कि एक लैंग्वेज को भैया पूरे इंडिया की लैंग्वेज बना दो। मतलब एक आपको लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या कोई एक रिलीजन को इंडिया ऑफिशियल रिलीजन बता दे, तो इन सब टाइप की गतिविधियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी इंटरफेयर करेगी। एंड ये जो है ये आपका इस केस में आया था, इस केस का नाम था IR कोलियो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ब्लैंकेट प्रोटेक्शन हम नहीं देंगे, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ब्लैंकेट प्रोटेक्शन का मतलब कि आंख बंद करके आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी कोई सा भी लॉ अगर आप 9th शेड्यूल में डालोगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो टेस्ट दिए थे इसको पता लगाने के लिए। दो टेस्ट कौन कौन से हैं, पहला है कि भैया क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जैसे मान लो कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगी कि क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। चलो अगर करता है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट करता है। अगर ये दोनों ही चीज़ को वायलेट करता है ना, तब सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर करके उस चीज़ को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो IR पोलियो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31B को तो वैलिड बताया, बट उन्होंने एक टेस्ट दिया, टू टेस्ट दिए, पहला था फंडामेंटल राइट का, दूसरा था बेसिक स्ट्रक्चर का, कि भैया दोनों को चेक करो कि जो कोई लॉ बनाया जा रहा है, जो 9th शेड्यूल में डाला जा रहा है, वो क्या इनका वॉयलेट कर रहा है। अगर दोनों को ही वॉयलेट करेगा तब सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी वो यहाँ पे इंटरफेयर करने वाली है, ठीक है। शेड्यूल्स पे देखो क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
शेड्यूल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि भैया 12th शेड्यूल में क्या है, 10th शेड्यूल में क्या है, 11th शेड्यूल में क्या है। तो ये आप याद कर लेना कि भारत के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ शेड्यूल हैं वो किस किस चीज़ से डील करते हैं। जैसे मैंने आपसे तुरंत पूछ लिया कि म्यूनसिपालिटीज़ जो है वो किस शेड्यूल में, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ इन 12th शेड्यूल। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दो। 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मेंबरशिप ऑफ, प्राइम मेंबरशिप ऑफ। 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया था भैया? तब भैया 1951 में जोड़ा गया था। तब कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। सिंपल है जवाब, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेहरू साहब के समय में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। खत्म, क्लियर सर? अगर बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट हो रहा और फंडामेंटल राइट नहीं हो रहा तब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा? बेसिक स्ट्रक्चर पे होगा, फंडामेंटल राइट तो वॉयलेट कर ही सकते हैं भैया 9th शेड्यूल में डाल के, पर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु स्टेट 69% रिजर्वेशन ऑल्सो इन द 9th शेड्यूल, यस आनंद। मिसा एट ऐसे में आता है सर, एक्सट्रोजिशियल रिव्यू बट ओपन टू स्क्रूटनी, फंडामेंटल राइट वॉयलेटेड। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तभी 9th शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी, या फिर सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ही आपका वॉयलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया है कि आप दोनों ही पहलू पे देखो, फंडामेंटल राइट पे, बेसिक स्ट्रक्चर पे, एंड इन दी एंड तो फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के ऊपर है भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि भैया ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये किसी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेट करता है कि नहीं करता है। तो ये इट्स ऑल अप टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वी कैन, मतलब देखो इंटरप्रटेशन जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस टू जजेस भी डिफर कर जाता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि भैया वही जजेस जो हैं, चार पांच जजेस जो होते हैं किसी केस में कुछ फैसला देते हैं, फिर उसको कोई दूसरे जजेस बैठते हैं तो रिवर्स हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अगला आर्टिकल जो है वो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर से रिलेटेड, सीवीसी। अभी अपॉइंट हुए थे इसलिए न्यूज में था, तो सीवीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इनका कंपोजिशन क्या होता है भैया। तो एक तो सीवीसी होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्लस टू विजिलेंस कमिश्नर और होते हैं, ठीक है। सीवीसी का कंपोजिशन क्या होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है प्लस दो विजिलेंस कमिश्नर और इनके साथ होते हैं। कौन इनको अपॉइंट करता है भैया? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है गाइस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशन पे? एक कमिटी होती है, इसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट भैया अपॉइंट करते हैं सीवीसी को, लेकिन एक कमिटी के रिकमेंडेशन में। इस कमिटी में कौन कौन होता है? तो पीएम होते हैं, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, होम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मैं मतलब है लोकसभा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ऐसे लिख लो कि आपको याद रहे। और अगर बाय द वे लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी उसका, जो अपोजिशन में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी उसका जो हेड होगा वो इसका मेंबर होगा। और ये तीन मिलके चीफ विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। क्या होता है कंपोजिशन? तो सीवीसी प्लस टू वीसी, ठीक है। टर्म क्या होती है इनकी भैया? फोर इयर्स। क्या होती है? फोर इयर्स, ठीक है, या फिर 65 इयर्स, जो भी पहले हो जाए, या तो फोर इयर्स या फिर 65 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। बात समझ में आ रही है? फोर इयर्स या फिर 65 इयर्स, जो भी पहले आ जाए। मान लो भैया कोई 63 की इयर्स में बन रहा है तो 2 साल में रिटायर हो जाएगा, और कोई 60 के में बन रहा है तो 64 में रिटायर हो जाएगा, तो जो भी इन दोनों में से पहली आ जाए, ठीक है। रिमूव कैसे हो सकते हैं? तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को प्रूफ होने के बाद, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज लेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड हैज 5 विजिलेंस कमिश्नर, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है भैया? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी बताओ। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है गाइस?
आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है गाइस। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है यार, आप लोगों के जवाब जो हैं सही हैं, वेरी गुड यार। ठीक है, मतलब बिल्कुल फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है सर, 30 सेकेंड वेट कर लिया कि जी आनन। यार मैं बनाता ही नहीं हूँ इवेंट, तो मुझे पता ही नहीं कहाँ से करते हैं भाई, बताओ। अभी हो पाए तो कर लूँ मैं, बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अगले आर्टिकल्स के ऊपर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्यों न्यूज में था, मुझे कोई बताएगा? 22nd लॉ कमीशन बनने वाली है हमारे देश में, 22nd लॉ कमीशन हमारे देश में बनने वाली है, इसीलिए आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज में आ गई थी। ठीक है, 21st इससे पहले थी जो एक्सपायर हो चुकी है, 22nd बनने का अप्रूवल यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है, जिसके चलते हुए 22nd लॉ कमीशन जो है वो न्यूज में थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं भैया। तो 22nd लॉ कमीशन में देखो सबसे पहली एक चीज की भैया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या है ये? एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत समझना, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है आजाद भारत की कब बनी थी पता है आपको? 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो आजाद भारत की बनी थी, कब दोस्तों? 1955 में। ठीक है, इसका टेन्योर क्या होता है? 3 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स में एक्सपायर हो जाती है। एडवाइजरी बॉडी होती है, क्या होती है ये? एडवाइजरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है समय समय में, भैया आप किस तरीके से काम करो, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लीगल रिफॉर्म्स इन इंडिया लाने के लिए एडवाइस करती है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी होती है। क्या इसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग है? तो नहीं भैया, नॉट बाइंडिंग होता है। क्या होता है? नॉट बाइंडिंग। क्या क्या देखा हमने? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, 1955 में ये बनी थी। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन जो आज़ाद भारत की बनी थी कब बनी थी? 1955। मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ की है आज़ाद भारत, मतलब आज़ाद भारत जब नहीं था उससे पहले भी थी, लेकिन आज़ाद भारत की पहली बार 1955 में बनी थी। 3 ईयर्स का टेन्योर होता है, एडवाइजरी बॉडी होती है, एंड इसका डिसीजन जो होता है वो नॉट बाइंडिंग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटिश राज की फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनी थी, तो 1834 में बनी थी। कब बनी थी? 1834 कब बनी थी फर्स्ट लॉ कमीशन जो ब्रिटिश राज की बनी थी? एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में बनी थी, और लॉर्ड मैक्लोरी, कहीं लिख देता हूँ इनका नाम अलग यार, राइटिंग बड़ी बेकार है मेरी यार, लॉर्ड मैक्लोरी। ठीक है, इनके अंडर में क्या हुआ था यार? इनके अंडर में इसको बनाया गया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? मैक्लोरी। 1834 में ब्रिटिश राज की पहली लॉ कमीशन बनी थी, मैकलोय जो थे लास्ट आपके, इनके अंडर में इसको बनाया गया था। मैकलोय वही हैं जिन्होंने सीआरपीसी, सीपीसी ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दी, आईपीसी, और इन चीज़ों को बनवाया देश के अंदर। इसमें भैया मेंबर कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो एक पहला होगा फुल टाइम चेयरपर्सन, एक क्या होगा? फुल टाइम चेयरपर्सन। ठीक है, फोर इसमें फुल टाइम मेंबर्स होंगे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होगा इसमें। ठीक है, कौन होगा? सेक्रेटरी। हम इसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं भैया, पहला इसमें कौन है? एक चेयरपर्सन है, फोर फुल टाइम मेंबर्स हैं, फिर होगा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ, आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, लीगल अफेयर्स। ठीक है, फिर होगा सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और लास्ट में एक बात ध्यान रखना, नॉट मोर
देन 5 मेंबर्स, ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं, यहाँ पे गलत हो गया, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, चेयरपर्सन है, 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत की पहली बनी थी 1955 में, आज़ाद भारत की, ब्रिटिश राज में बनाई गई थी 1834 में मैक्लोरी के अंडर में, और 22nd लॉ कमीशन अभी बनने वाली है, इसका अप्रूवल मिल चुका है इसलिए न्यूज़ में थी। क्या इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, तो नहीं होता है, इट्स एन एडवाइजरी बॉडी, 3 ईयर का टेन्योर होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं होती है। अब इसके रोल्स एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो भैया देखो रोल्स एंड फंक्शन इसके कुछ अलग अलग हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि भैया गवर्नमेंट को एडवाइस देना, भारत में जस्टिस बना रहे इसकी कोशिश करते रहना, कुछ ऐसे लॉज लेके आना, कुछ लॉज में रिफॉर्म्स लेके आना जो गलत हैं, तो ये सब इसके रूल्स एंड फंक्शन है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत में किए थे, अब इनको देख लेते हैं। जो लॉ कमीशन ने भारत में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए हैं प्रायर मतलब पहले, तो कुछ इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी की बात करी थी इन्होंने, किसकी, डेथ पेनल्टी की अबॉलिशन की, जो डेथ पेनल्टी है इसे ख़त्म कर दो, ये किसने बोला था, लॉ कमीशन ने, कब बोला था, अपनी 262nd रिपोर्ट में, कब बोला था, 262nd रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो टेररिस्ट हैं या फिर जो इस टाइप के लोग हैं इनको दो डेथ पेनल्टी, ठीक है, बाकी नॉर्मल केसेस में डेथ पेनल्टी को भारत से ख़त्म कर दो, ठीक है। 1999 में एक बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया था जिसका आज भी यूज़ करना बनता है, वो ये है कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की इलेक्शन जो है ना वो साथ कराओ। अब आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखो क्या है ना कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन होते हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, मान लो देखो अभी बीजेपी के इलेक्शन हुए, मतलब मोदी जी सरकार में आए, अब किसी और स्टेट में इलेक्शन होंगे तो मोदी जी वहाँ प्रचार करेंगे, फिर अगले स्टेट में होंगे फिर मोदी जी वहाँ प्रचार करेंगे, तो हर साल ही भैया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, प्रचार प्रसार चलता रहता है, गवर्नमेंट काम कहाँ कर पा रही है, गवर्नमेंट काम तब करेगी जब पूरे देश में एक ही बार सरकार आए और वो 5 साल तक चले, फिर 5 साल बाद फिर पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो, तो ये अच्छा हो सकता है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये 1999 में भैया लॉ कमीशन ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना भी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भैया जो पर्सनल लॉस पे शादी डाइवोर्स ये सब चल रहा है ये सब ना चले, एंड एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और उसके बेसिस पे सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो हों, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। अनन कह रहे हैं सर थक गए क्या, नहीं यार आवाज़ बैठ गई बस, है ना, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अंकिता पी, चलो ठीक है, अब मेरा एक देखो क्वेश्चन है आप लोगों से, स्टेटमेंट्स मैं दूंगा, इस स्टेटमेंट्स का आप लोग मुझे जवाब देंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट ट्रू ऑर फॉल्स, जल्दी बताओ भाई, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट ट्रू ऑर फॉल्स। मदनी रान दिया कह रही हैं कि कंबाइन इलेक्शन विल सेव मनी, या इट्स ऑल्सो करेक्ट, माई स्टेटमेंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या भैया ये, फॉल्स फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे, वेल डन, ठीक है ठीक है, फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा स्टेटमेंट है मेरा, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ, सीवीसी रोल पे आ रहा हूँ मधुपू राजेश, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट, बस फर्स्ट आंसर माय दीज क्वेश्चन जो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, काफ़ी फॉल्स आ रहे हैं, फॉल्स, ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट अभी हमने आपके सामने देखा था वो, ठीक है, मैंग जसवाल ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स है भैया, ट्रू कहाँ से हो गया, मैंग क्या कर रहे हो। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज फाउंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीबी मैकलॉय, तो भैया बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पर अगर मैं कह दूं कि फर्स्ट आज़ाद भारत की लॉ कमीशन
मैकलोई के अंडर में फॉर्म हुई थी, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है? तो चलो एक बार जल्दी से कुछ आर्टिकल्स को रिवाइज करते हैं और सेशन को हम अब 3 आवर्स का ही रखते हैं यार, ज़्यादा हो जाएगा है ना, एक दिन में इतना झेल नहीं पाएंगे हम लोग। एक्चुअली लाइट चली गई है, इन्वर्टर जो है थोड़ी देर ही उठा पाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, मुद्दा ये वही मैं सही करने गया था अभी, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ आज जो हमने पढ़ा है, एंड आई एम होपिंग कि जो आप लोग, अगर लाइट आ जाती है तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे, बट अगर लाइट अभी नहीं आती है तो आई थिंक 15 से 20 मिनट इन्वर्टर और उठा पाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्वेश्चंस के जवाब देना। आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई होप आप लोग उसके आंसर्स जो हैं मुझे करेंगे, ठीक है? जो क्यूरेटिव पिटीशन था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 सपोर्ट करता है, ये बताओ कि भैया कोई जजमेंट आया तो रिव्यू पिटीशन उसके कितने दिन के अंदर फाइल करना होगा, रिव्यू पिटीशन उसके कितने दिन के अंदर फाइल करना होगा, जल्दी बताओ। रिव्यू पिटीशन जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन के कितने आने के कितने दिन के अंदर फाउंड मतलब फॉर्म करना होगा। जल्दी बताओ। 30 डेज यहाँ पे जवाब आया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, सही है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। किस केस से आया था ये क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट यार? सीवीसी का बार बार कोई पूछ रहा है, तो बेटा गवर्नमेंट करप्शन को टैकल करने के लिए सीवीसी बनाई गई थी, है ना, कि करप्शन जो है वो कंट्रोल रहे, करप्शन ज़्यादा बढ़ ना पाए, तो वही टैकल करने के लिए सीवीसी का स्थापना हुई थी। 30 डेज, नंदू विजय सिंह 30, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। महाजन कमीशन क्यों बनी थी दोस्तों? महाजन कमीशन क्यों बनी थी? महाजन कमीशन की स्थापना क्यों हुई थी, कोई बताएगा मुझे? महाजन कमीशन की स्थापना क्यों हुई थी? महाजन कमीशन किस चीज से रिलेटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कोई बता सकता है? जल्दी, समय बिना गंवाए हुए। बेलगाम डिस्प्यूट, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड, नाइस। मैंने आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत किस ईयर में हुआ था बताओ जल्दी, ऑपरेशन मेघदूत किस ईयर में हुआ था, जल्दी बताओ, ऑपरेशन मेघदूत गाइस किस ईयर में आया था? और हम क्या करते हैं, सुनो, ये जो 10 आवर्स की एक साथ क्लास होनी थी ना, कोई बात नहीं, आज आपका कौन सा वार है, थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3-3 आवर्स का हम डेली भी कर लेंगे ना, तो भी हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3-3 आवर्स का हम डेली भी कर लेंगे तो हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा, तो हम यही करते हैं। अब कल फिर 12 बजे मिलेंगे, 12 से 3, और फिर अगले दिन फिर 12 से 3 मिलेंगे, संडे तक 12 से 3 मिलते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, अपने आप सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1956 बेलगाम डिस्प्यूट, 84 मुदुपी राजेश, 1984 करेक्ट है, ठीक है। तो चलो, मेरी बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को, कल फिर 12 बजे मिलेंगे, आप लोगों को आना है, 3-3 आवर्स की क्लासेस डेली हम करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें ये जो हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप आराम से काम हो जाएगा। एंड एक चीज़ और है यार, वो ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मेरी बात, कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो ये जो कोड चल रहा है ना नीचे MPS, इसका यूज़ करिए, 10% का डिस्काउंट उठाइए एंड कोर्स को इनरोल करिए, जल्द से जल्द आप इनरोल करिए इस कोर्स में, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिले, आप जो अचीव करना चाहते हैं UPSC, जो आपका सपना है IAS बनने का, IPS बनने का, आप उसको प्राप्त कर पाएँ। एंड दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन अनअकैडमी, एंड दिस इज़ माई कोड टू गेट 10% ऑफ। जाते जाते भैया लाइक कर जाना, एंड बेकार लगे तो डिसलाइक कर जाना, ठीक है। चलो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भैया, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने आपको पहले ही बताई है, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपको डालना है टेलीग्राम पे, @ लगा के, लेट स्टडी, LETSSTUDYYY, एंड दिस इज़ माई एजुकेटर ऐप का ID, इंस्टाग्राम का भी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई दिक्कत फंसने पर, कोई परेशानी फंसने पर आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है।
चलो अब एक बार देखो इधर वाले आर्टिकल्स भी रिवाइज कर लेते हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क मैंने आपको बताया था किस चीज़ को टैकल करने के लिए बनाया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में इसको लेके आया गया था। ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्लस जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इन तीनों का मिलके ये भैया एक मिलीभगत थी। इंडिया को भी इसमें लाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये लोग चाहते हैं कि भैया हम इसमें चले आएँ। ठीक है, ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर से रिलेटेड है, साइक्लोन डियाने आया था तो वहाँ पे बचाने के लोगों को भेजा गया था, INS एरावट भेजा गया था। ठीक है, क्यों भेजा गया था, कपड़े खाना ये सब ले जाके मेडिसिन। ओस्लो एकॉर्ड अभी न्यूज़ में था, पैलेस्टीन से रिलेटेड है, पैलेस्टीन को बेवकूफ़ बनाया गया था इसराइल के द्वारा ओस्लो एकॉर्ड्स में। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया तो आपको याद आ गया होगा क्या मामला था, पैलेस्टीन से कहा था भैया तुम्हें आज़ादी दे देंगे बट ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये यहाँ पे मामला सामने आया था। ठीक है, फिर सागरमाथा संवाद, सागरमाथा मतलब माउंट एवरेस्ट, संवाद मतलब बातचीत, नेपाल का एक इनिशिएटिव था। फिर चाइनीज़ पैडल फिश कितनी है वर्ल्ड में, दो हैं, एक USA वाली एक चाइनीज़ वाली एक्सटेंट हो गई है यांगजे रिवर में। यांगजे रिवर जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर है वर्ल्ड की अगर बात करें तो, है ना, वन ऑफ द बोली है मैंने, बिगेस्ट नहीं बोली है, वन ऑफ द। ठीक है, और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर। OIC के बारे में हमने पढ़ा, OIC जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN। ठीक है, एंड OIC का हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा था, चेक कर लेना जेदा में होगा, कहाँ पे है जेदा, पर एक बार कंफर्म करना इसको, चेक करना। एंड OIC जो बीच बीच में इंडिया से मतलब तंग करता रहता है हमें, और OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ठीक है, 57 मेंबर्स थे इसके, विजिट नेपाल, ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं फिर, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर गाइज इसी के साथ आज का सेशन जो है मदनी आपका हो जाएगा, क्लैट क्लैट, डोंट वरी। थैंक यू सर फॉर ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच मयंक, तो सी यू टुमारो, मिलते हैं कल 12 बजे फिर से, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर गाइज, एंड जय हिंद जय भारत। थोड़ा कोरोना में अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, कम बाहर निकल